हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल BPSC डीमिस्टिफाइड में। देखिए, कहानी अब तक ये थी कि हम लोग ने हुमायूं, शेरशाह सूरी और साथ ही साथ आपका बाबर को हम लोग देख चुके थे। ये मेडिवल हिस्ट्री की जो है वो ये सीरीज़ चल रही है। इनसे पहले हमने एंशेंट हिस्ट्री को पूरा कवर कर लिया था। ये एक घटनाचक्र की सीरीज़ है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरे तरीके से देखें, इसके सारे प्लेलिस्ट को देखें, ताकि ये जो सीरीज़ है मैं बना ही इसीलिए रहा हूँ कि ये टॉपिक वाइज बना रहा हूँ। कोई आपको टॉपिक वाइज नहीं समझाएगा, मैं टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ। और आप इस सीरीज़ को प्लीज़ देखते रहिए निरंतर। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो क्या रहेगा ना, ये सारी डॉट्स जो होंगे पीछे से, जो आपके जो भी सीरीज़ चली आ रही है एंशेंट इंडिया टू मॉडर्न इंडिया, के सारे डॉट्स जो होंगे वो कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा अकबर है। आइए बिना फर्दर डिले किए उसे देख लेते हैं। अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में होता, अमरकोट राजा वेरसाल पैलेस में। उनका कोरोनेशन जो हुआ था वो कलनौर गुरदासपुर सिटी जो पंजाब में वहाँ हुआ था 14 फरवरी 1556 में। वो केवल 13 साल के थे उस समय। शाह अब्दुल मालिक जो थे वो रिप्यूज कर दिए थे अकबर के कोरोनेशन के समय में। हुमायूं उनको क्या कहते थे, फरजंद कहते थे। ठीक है, बहराम खान ने जो थे वो पेट्रोन थे किसके, अकबर के। अकबर ने उन्हें अपॉइंट किया था एज अ वज़ीर, और उनको एक टाइटल भी दिया था, उन्हें कहा था खाने खान। अकबर ने स्टेब्लिश किया मार्शल रिलेशन विद कछवाहा राजपूत। व्हेन अकबर वाज गोइंग टू विजिट दरगाह ख्वाजा मैनुद्दीन चिश्ती, हिज रूट लेड थ्रू द राजपूत स्टेट ऑफ आमिर। ठीक है, उनके जो रूलर थे राजा बिहारी मल, इन्हें भारमल भी कहते थे, विद अ व्यू ऑफ सेफ गार्डिंग हिज पोजिशन ऑफर्ड हिम सबमिशन टू अकबर्स एट संगनेर एंड वॉलेंटरली प्रपोज हिज डॉटर प्रिंसेस हरकाबाई मैरिज विथ हिम। ठीक है ना, उन्होंने प्रपोज किया, क्या कहते हैं, हरकाबाई की जो उनकी जो पुत्री थी उनसे वो विवाह करने के लिए इच्छुक हुए। अकबर ने एक्सेप्ट किया ऑफर और एंड ऑन हिज रिटर्निंग फ्रॉम अजमेर मैरिड विद हर इन 1562, और 1562 में उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। राजा भारमल जो थे वो क्या थे, फर्स्ट राजपूत किंग थे जो एक्सेप्ट किए थे कि अकबर की सुप्रीमेसी हिज ओन अकॉर्ड में, अपने मतलब कि अकॉर्ड में। सलीम थे बाद में लेटर जहांगीर, हेयर टू थ्रोन वाज बॉर्न विथ हिज वेडलॉक ऑन 30 अगस्त 1569। अकबर जो पेट्रोनाइज थे चिश्ती सेक्ट के। ठीक है, एक्सप्रेसिंग हिज फेथ इन सूफीज़म, अकबर जो थे अपना फेथ सूफीज़म में दिखाते थे। हिज फ्रिक्वेंटली विजिटेड एट मौसेलम ख्वाजा मिनुद्दीन चिश्ती एट अजमेर। इन्होंने अबॉलिश कर दिया था जजिया को और पिलग्रिमेज टैक्स और स्लेवरी को भी 1563 और 1562 में। ये 1564 में जजिया ख़त्म किया, 63 में आपका पिलग्रिमेज टैक्स और स्लेवरी जो है 1562 में ख़त्म कर दिया रिस्पेक्टिवली। अंडर हिज लिबरल रिलीजियस पॉलिसी, उनके लिबरल रिलीजियस पॉलिसी के अंतर्गत एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। सती टुक प्लेस इन हिज रिजाइम, ठीक है ना, सती था इनके रिजाइम में। ठीक है, ही ऑर्डर दैट मैन शुड बी मैरी ओनली वन वाइफ एंड कुड मैरी अनदर ओनली वेन फर्स्ट वाइफ बिकम बैरन। ठीक है ना, वो केवल एक ही महिला के साथ कहते हैं वो विवाह कर सकता था, और अन्यथा दूसरी महिला के साथ वो विवाह तब कर सकता था और दूसरी महिला के साथ वो विवाह तभी कर सकता था जब वो पहली महिला जो क्यों हो वो बांझ हो। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्या मतलब है। ठीक है, अकबर ने किल किया आदम खान को। ठीक है, आदम खान को क्या किया, मार डाला, क्योंकि जिसके सन थे किसके, वो महामंगा के पुत्र थे 1562 में। एंड ही असैसिनेटेड अकबर प्राइम मिनिस्टर अतका खान को, वो क्या कहते हैं, उन्होंने असैसिनेट कर दिया था। दुर्गावती जो थी वो रूलर थे कहाँ के, हिंदू किंगडम के गोंडवाना के। आफ्टर द अटैक ऑफ अकबर 1564 AD, दुर्गावती वॉज सराउंडेड बाई द एनिमी एंड देन कमिटेड सुसाइड। राव चंद्रसेन जो थे मेवाड़ के, वो फॉट अगेंस्ट मुगल आर्मी एट भद्रा जून इन 1565 AD, एंड बट ही फ्लीड अवे टू सिवाना एज ही वॉज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड। राव ने एनेक्स किया सोजात को, ठीक है, 1569 में। अकबर अगेन सीज्ड हिम, उन्होंने फिर से उनको सीज कर लिया। बट ही फ्लेड अवे ऑन द हिल एंड डाइड इन 1581। द मेन एम ऑफ द अकबर्स फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज टू सबड्यू राणा प्रताप। इन अप्रैल 1576 ही डिप्यूटेड मान सिंह लेड अ फोर्स ऑफ 5000 सोल्जर अगेंस्ट महाराणा प्रताप। मान सिंह रीच थ्रू द रूट ऑफ मंगलगढ़ टू गोंडागढ़ विच वॉज 14 माइल्स अवे फ्रॉम द हल्दीघाटी। राणा प्रताप ऑल्सो
descended from the hills to face the Mughal army. The battle that took place is famous called the Battle of Haldighati, in which Rana was defeated and sought refuge in Aravali Hill. ठीक है. मेवाड़ did not accept the supremacy of Akbar willingly. ठीक है ना. राणा प्रताप मेवाड़ continued his struggle against अकबर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आफ्टर द डेथ ऑफ महाराणा प्रताप उनके जो क्या कहते हैं उनके जो पुत्र थे राणा अमर सिंह जो थे वो सीज कर लिए साइन किए एक ट्रिटी विद जहांगीर इन 1615 व्हेन प्रिंस सलीम स्टार्टेड बिहेविंग एन इंडिपेंडेंट किंग एट इलाहाबाद एंड बिकम रिबेलियन. अकबर कॉल्ड हिज फ्रेंड अबुल फजल फ्रॉम दक्कन इन 1602 AD. वीर सिंह बुंदेला जो थे वो असेसिनेट किए अबू फजल को. ठीक है ना. इन अ प्लॉट conspired by Mughal prince while he was returning from Deccan. Akbar was first Muslim ruler who realized that he could not hope to establish the consolidate the Mughal rule in India without winning the confidence and active support of majority of public which is Hindu. वो जानते थे कि वो consolidate नहीं कर सकते हैं पूरे भारत में भारत को consolidate नहीं कर सकते हैं क्योंकि majority of people कौन थे वो हिंदू थे. इसलिए he tried to build Hindu Muslim communities इंटू नेशनल यूनिटी. वो नेशनल यूनिटी भी लाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम के बीच में. द क्रेडिटर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाउंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन गोज टू अकबर. ठीक है ना. हिज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज उनकी जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज थी एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल ऑफ द क्वीन ऑफ द किंग हिज ड्यूटीज एंड अथॉरिटीज हिज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हिज रेवेन्यू सिस्टम हिज मॉनेटरी पॉलिसी हिज मनसबदारी कस्टम एटसेट्रा वेयर सक्सेसफुल. ये सारे सक्सेसफुल हुए. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. ठीक है. ड्यूरिंग द पीरियड He became the foundation of his successor. Akbar was a great ruler whose empire extended from Bengal to Afghanistan, oh my god, and Kashmir to Godavari in the south. He was a secular emperor and the complete authority of the empire was vested in him. There is a considered an enlightened despot like Queen Elizabeth of England and Frederick the Great, during whose regime all were equal before the law. Under the organized central administrative system, the regime of Akbar, Mir Bakshi was the head of military department. ये important point है दोस्तों. ठीक है. Mir Bakshi क्या था? Head of military department है but not the chief commander of the army. लेकिन वो chief commander नहीं थे army के. Bakshi was responsible for the recruitment of designation of proper rank and assignment of correct pay of for soldier. He started the practice dag branding of horse. Dag मतलब करते थे branding of horse पे brand लगाने के लिए उन्होंने dag लगाना start कर दिया. मतलब होता है कि सी मतलब एक तरीके से थप्पा. 1573 AD में अकबर ने ऑर्गेनाइज किया सोल्जर बाय मनसबदारी सिस्टम इन 1574-75 AD में. जो मनसब थे उनका रैंक और पोजीशन था. ठीक है ना. मनसबदार मींस द ऑफिशियल हु हैड रैंक और डेजिग्नेशन इन द रॉयल आर्मी. द सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम. दीवान का जो वर्ड है दीवान क्या है ये एक वर्ड है किसका पर्शियन वोकैबुलरी का अडॉप्ट किया गया मुस्लिम के द्वारा इन द पीरियड ऑफ कैलिफ उमर. खालिफ जो उमर थे उनके पीरियड में उन्होंने यूज़ किया टर्म ट्रेजरी डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन ऑफ दीवान एंड अडॉन्ड मुजफ्फर खान तुरबाती राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर जो थे फ्रॉम नाइन्थ ईयर ऑफ अकबर्स रिजाइन टिल 30 ईयर तक उन्होंने किया. ठीक है. दीवान का जो वो क्या था एक सुप्रीम ऑफिशियल था. दीवान जो था सुप्रीम ऑफिशियल था फाइनेंशियल अफेयर का और रिवेन्यू का. मुगल मनसबदारी सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया अकबर के द्वारा फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. दिस टाइप ऑफ मिलिट्री रिवीजन वाज इंप्लीमेंटेड इन मंगोलियन आर्मी इन द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान. मुगल एम्पायर जो अकबर थे उन्होंने स्टार्ट किया मनसबदारी सिस्टम 11 इन द 11th ईयर 1566-67 इन ऑफिस रिजाइन. मनसब के जो रेसिपेंट थे जो डिवाइडेड इंटू 3 क्लास. मनसबदार 10 to less than 500. आमिर जो थे वो 500 से 2500 के बीच में थे और आमिर आजम थे वो जो 2500 से ऊपर थे वो थे. ठीक है. ये डिवीजन था. जब्ती सिस्टम जो था इन्हीं के द्वारा क्या हुआ था इंट्रोड्यूस किया था इन लैंड रिव्यू इन द रीजन ऑफ अकबर बेस्ड ऑन शेड्यूल ऑफ दस्तूर उल अमल और जब्ती खसरे फॉर लैंड सर्वे एंड लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. टोडरमल वो अचीव किए फेम इन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू के फील्ड में उन्होंने फेम हासिल किया. एन ए दसला ये एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो इंट्रोड्यूस किया गया अकबर के द्वारा इन 24th ईयर ऑफ हिज रिजाइन 1580 AD. इज ऑल्सो नोन एज टोडरमल बंदोबस्त. फाउंडर ऑफ दिस सिस्टम वॉज टोडरमल. दैट इज़ वाई
इट इज़ नोन एज द टोडरमल सेटलमेंट। एट दिस टाइम टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड इज द मेन असिस्टेंट ऑफ ख्वाजा शाह मंसूर। ख्वाजा शाह मंसूर के क्या थे, टोडरमल असिस्टेंट थे। अंडर दिस सिस्टम द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप एज वेल एज द एवरेज प्राइस ऑफ प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 ईयर वॉज कैलकुलेटेड। 1/3 ऑफ द एवरेज वॉज फिक्सड एज रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट। अकबर एनेक्स्ट गुजरात इन 1572 से 73 AD के बीच में उन्होंने क्या किया, एनेक्स कर लिया और इस्टेब्लिश किया एक सिटी जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। अ क्लास ऑफ हिस्टोरियन बिलीव दैट अकबर बिल्ड बुलंद दरवाजा ऑफ सिकरी एज अ विक्ट्री टावर ऑफ कॉमरेट ओवर हिज विन ओवर गुजरात। वेल पर्सी ब्राउन स्टेट इट्स कंस्ट्रक्शन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज साउथ विक्ट्री इन 1601 AD। ठीक है, अकबर ने लॉन्च किया तौहीद इलाही और ऑन और कहते हैं दीन इलाही भी कहते हैं उन्हें 1582 AD में। ठीक है ना, उन्हें दीन इलाही भी कहता है 1582 में। ये था अमंग द हिंदूज ओनली बीरबल एक्सेप्टेड दीन इलाही। बीरबल ने ही दीन इलाही को एक्सेप्ट किया हिंदू में। जहांगीर की जो कंटेम्प्रेरी थे वो कौन थे, मोहसिन फानी थे, जो स्टार्टेड फर्स्ट दीन इलाही एज एन इंडिपेंडेंट रिलीजन ऑन हिज टेक्स्ट दाविस्तान ए मजाहिब। ये जो था मजहब जो था इसे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अकबर ने कंस्ट्रक्ट कराया फोर्ट कम पैलेस ऑफ 36 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा एट फतेहपुर सिकरी इन 1568 से 1569 AD के बीच में। देर आर सेवरल बिल्डिंग्स फाउंड इन द फोर्ट, जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल और सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी और सम और भी बहुत ढेर सारी जो जगह थे वो भी थे इसमें। द पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान इज सो ब्यूटीफुल दैट पर्सी ब्राउन हैज़ कॉल्ड इट पर्ल ऑफ आर्किटेक्चर। पांच महल वाज अ पिरामिड शेप्ड पैलेस बिल्ट ऑन द पैटर्न ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ठीक है, जो टॉम था अकबर का वो लोकेट कहाँ पे, सिकंदरा के पास। ठीक है ना, अब स्मॉल विलेज फाउंडेड बाय सिकंदर लोदी। अकबर ने इस प्लेस का नाम रखा था बहिस्ताबाद, उसका क्या नाम रख दिया था। ही कमेंस्ड हिज कंस्ट्रक्शन प्लान बट ही वॉज कम्प्लीटेड बाई हिज सन जहांगीर इन 1613 AD। जो सबसे दिस लास्ट टॉम हैज़ 5 फ्लोर, इस टॉम में 5 फ्लोर थे। स्पेशलिटी थी क्या, डोमलेस स्क्वायर अपेक्स था इसका। अकबर ने इस्टेब्लिश किया ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ द पोएट लूरेट फैजी। अकबर ने ऑर्डर किया ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इंटू पर्शियन लैंग्वेज नेम राजमानामा विद अ जॉइंट एफर्ट ऑफ बदौनी। ठीक है, अबू फजल और फैजी जो थे वो लोग भी उन्होंने नाम रखा। ठीक है, इसका नाम लैंग्वेज का नेम क्या था, राजमाना रखा। बिसाइड दिस बदौनी ट्रांसलेटेड द रामायण, फैजी ट्रांसलेटेड लीलावती। ठीक है ना, फैजी ने लीलावती को क्या किया, ट्रांसलेटेड किया। ठीक है, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर जो थे, कश्मीर के थे, वॉज वन ऑफ द फेमस राइटर इन अकबर कोर्ट्स। हु वॉज एडॉर्न्ड विद द ऑनर ऑफ जारी कालम इन किंग अकबर। हरि विजय सूरी जो थे वो एक जैन मॉन्ग थे जो कि वो रहे कुछ सालों तक किसके कोर्ट में, अकबर के, एंड वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ जगत गुरु। अनदर जैन स्कॉलर हु डिसाइडेड मुगल कोर्ट वॉज जिन चंद्र सूरी थे, वो एक और मॉन्ग थे, उनको टाइटल क्या था, युग प्रधान भाई अकबर। इंडियन रूलर जो थे कंटेम्प्रेरी थे क्वीन एलिजाबेथ वन के। इंडियन रूलर कंटेम्प्रेरी थे किसके, क्वीन एलिजाबेथ वन के ऑफ इंग्लैंड। कौन थे वो, अकबर थे। इट इज़ नोटेबल दैट द ओकेजन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD एलिजाबेथ वॉज द इम्प्रेस ऑफ इंग्लैंड। इंडिया वॉज हैड द रीजन ऑफ अकबर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 to 1605 AD। द टेक्स्चर ऑफ द टेन्योर ऑफ द एलिजाबेथ वन वॉज 1558 to 603 AD। राफ विच जो थे, राल्फ विच 1583 से 1586 के बीच में थे, वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मर्चेंट हु विजिट आगरा एंड फतेहपुर सिकरी। आगरा अकबर जो इस्टेब्लिश किए थे इबादत खाना इन फतेहपुर सिकरी इन 1575 AD। द मेन पर्पज ऑफ विच वॉज फैसिलिटेट फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशन। इन्होंने ओपन किया डोर्स ऑफ इबादत खाना फॉर ऑल स्कूल ऑफ रिलीजन इन 1578 AD। दीज रिलीजियस डिस्कशन इन इबादत खाना लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ महजनामा इन 1579 AD।
महजामा क्या था, प्रिपेयर किया गया शेख मुबारक जो थे फादर किसके, अबुल फजल के। महजामा जो था यू स्टेटेड द इनफेलिबिलिटी डिक्री बाय स्मिथ एंड वूली वूजली हेग। अकबर ने टाइटल किया सुल्तान आदिल और इमाम आदिल आफ्टर द इशू ऑफ मज़ार, ठीक है, मज़ार इसे कहते थे। अकबर ने यूज़ किया पार्टिसिपेट इन, मतलब अकबर जो थे पार्टिसिपेट करते थे फेस्टिवल सच एज बसंत, होली और दिवाली में भी। अकॉर्डिंग टू लेनेपुल, लेनेपुल के हिसाब से यूनिफिकेशन ऑफ हिंदू किंग वाज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ अकबर किंग टाइम, ठीक है ना, ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। और आर पी त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर वॉज बोथ अ चाइल्ड ऑफ हिज एरा एंड अ फादर, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अकबर जो हमारे ग्रेटेस्ट स्टूडेंट थे भारत के, उनके बारे में हम लोग ने पूरा पढ़ लिया है थ्योरी। अब ये जो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अकबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके इन्होंने बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में डिफरेंट डिफरेंट काम किया है, ठीक है, राइट फ्रॉम द मिलिट्री, उनका मिलिट्री का जो था डिपार्टमेंट मिलिट्री का था उनका बहुत अच्छा था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था, एग्रीकल्चर में भी उन्होंने काम किया, और यूनिफिकेशन किया किसका सबसे बड़ा, रिलीजियस मैटर में हिंदू और मुस्लिम्स का। चलिए अब वो महान रूलर का बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब उनके एमसीक्यूज को भी देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अकबर वॉज इनथ्रोन ऑन गेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ हुमायूं डेथ, वो कहते हैं कलानौर थे। द मेन एम ऑफ द अकबर इन फाइटिंग द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज टू सबड्यू राणा प्रताप, महाराणा प्रताप। मेन एम क्या था अकबर फाइटिंग हल्दीघाटी का, क्या था, सबड्यू करे राणा महाराणा प्रताप को। 1576 में डिप्यूटेड मान सिंह को क्या डिप्यूटेड किया, मान सिंह को, लेट टू फोर्स 5000 सोल्जर्स अगेंस्ट महाराणा प्रताप। दिस बैटल वॉज फॉट इन 18th जून ऑफ 1576। राणा प्रताप डिफीट हो जाते हैं और रिफ्यूजी ले लेते हैं कहाँ पे, अरावली हिल्स में। बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो थी वो कहाँ कब हुई थी, हुई थी आपकी 1576 एडी में। कौन कमांडर था राणा प्रताप का आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दी सिंह हल्दीघाटी में, कौन था वो, मानसिंह, वो क्या कहते हैं, हकीम खान थे, सॉरी मानसिंह नहीं थे, ये पूछ रहा कमांडर, कमांडर दोस्तों राणा प्रताप का, हकीम खान थे, क्या थे वो, ये कमांडर थे किसके, राणा प्रताप की आर्मी के बैटल ऑफ हल्दीघाटी में। ही वॉज अ पठान एडवेंचरर मेंबर ऑफ सूर डायनेस्टी, सूर डायनेस्टी के थे, वो कमांडेड आर्मी ऑफ 5000 अफगान इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी इन 18th June of 1576। कौन कमांडर था चीफ महाराणा प्रताप का राजपूत आर्मी का इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, वो कौन थे, हकीम खान सूर थे। हु वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी राजपूत आर्मी बिसाइड द महाराणा प्रताप इन द बैटल ऑफ हल्दीघाटी, वो भी हमने बताया हकीम सूर थे। ये मैप जो दिया गया है वो क्या कह रहा है, अकबर एम्पायर का सर्टेन जंक्चर एच ए स्टैंड फॉर, अच्छा, और स्टैंड एंड बी मार्क्स ऑफ द सिटी, कौन सा ये अल्टरनेटिव जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें देना है। तो आइए मैप देख लेते हैं पहले क्या है, कि एक जो ये है, ये जो एरिया जो है ये कहाँ का है ये बताएं, ये साउथ मतलब कि सेंट्रल से साउथ की तरफ बढ़ता हुआ है, ये गोंडवाना लैंड का है, मतलब गोंडवाना का है ये क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। और ये जो बी वाला जो क्षेत्र है ये सटा हुआ वो लाहौर का क्षेत्र है, तो इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिमोनियल अलायंस जो राजपूत का था एस्टेब्लिश बाय अकबर विद द हाउस ऑफ, वो किसके था, कछवाहास के साथ था। देख लेते हैं, पहला मैट्रिमोनियल अलायंस जो था राजपूत के साथ एस्टेब्लिश बाय अकबर इन कछवाहास राजपूत, ही वेंट टू पिलग्रिमेज ऑफ मसलम शेख मैनुद्दीन चिश्ती के, उसमें गए थे अजमेर इन जनवरी 1562। हिज रूट लेड थ्रू द राजपूत स्टेट, ठीक है, और हिज रूट लेड टू द राजपूत स्टेट ऑफ अंबर, इट्स रूलर, उनके जो रूलर थे राजबिहारी मल भारमल, विद द व्यू ऑफ सेफ गार्डिंग हिज पोजिशन, ऑफर्ड हिज सबमिशन टू अकबर एट संगनेर एंड वॉलेंटरली प्रपोज हिज डॉटर, ठीक है ना, प्रिंसेस हरक्का भाई जिनको जोधा भी कहते थे, उनके साथ क्या हुआ, उनकी शादी हो गई विद द यंग मोनार्क। अकबर एक्सेप्टेड द ऑफर एंड ऑन रिटर्न फ्रॉम अजमेर मैरिड इन 1562। इट वॉज फर्स्ट मैरिज ऑफ अकबर विथ राजपूत गर्ल। दस राजा भारमल जो थे वॉज द फर्स्ट राजपूत किंग जिन्होंने एक्सेप्ट किया अकबर की सुप्रमेसी ऑफ हिज अकॉर्ड। सलीम जो थे वो थ्रोन पे टू द थ्रोन बॉर्न फॉर वीड लॉक ऑन 30th अगस्त 1569।
ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग फैमिलीज वॉज द फर्स्ट टू हैव मैट्रिमोनियल अलायंस विद अकबर, वो कहते थे कछवास के थे, कभी हम लोग देखा। द मुस्लिम ऑफ दरगाह ऑफ विच चिश्ती सेंट वॉज विजिटेड बाई अकबर, वो से ये नसीमुद्दीन चिराग देवाली नहीं थे, मैनुद्दीन चिश्ती थे, गलती कर दिया मैंने, ए है, देहालवी नहीं थे, शेख निजामुद्दीन चिराग देहालवी नहीं थे, वो मैनुद्दीन चिश्ती थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज पर्सनली किल्ड बाई अकबर, वो किसको मार दिए थे, आदम खान को, महामंगा के जो ये लड़के थे, महामंगा के लड़के थे। विच ऑफ द फॉलोइंग राजपूताना स्टेट डिड नॉट एक्सेप्ट सुपरमेसी ऑफ अकबर विलिंगली, वो कौन था, मेवाड़, क्योंकि वही जानते हैं महाराणा प्रताप की जब क्या हुई, राणा प्रताप की क्या हुई, मृत्यु हो गई, और उनके सर राणा अमर सिंह ने ट्रीटी साइन किया किसके साथ, जहांगीर के साथ 1615 AD में। कौन से राजपूत रूलर थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया स्ट्रगल इंडिपेंडेंस अगेंस्ट मुगल, डिड नॉट सरेंडर, और उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो कौन थे, राव चंद्रसेना थे, किसके, मारवाड़ के। दुर्गावती हु फॉट अगेंस्ट अकबर वॉज द क्वीन ऑफ, वो कहाँ की थी, मांडला की थी। यूसुफ शाह शक जो थे, लास्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर के रैली के, हु वॉज एग्जाइल्ड टू बिहार बाई द मुगल एम्परर अकबर वॉज बरीड इन, वो कहाँ पे उनका है, नालंदा में। ये देखिए 65 BPSC में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अबू फजल का जो डेथ हुआ वो किस किस कॉज से हुआ था, वो था प्रिंस सलीम के वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डू नॉट कंडक्टिव इन एस्टेब्लिशिंग अकबर एज एन नेशनलिस्ट, वो क्या है, अकबर एंड फोर सेकेंड इस्लाम, ठीक है। कॉज ऑफ अकबर पॉपुलरिटी किस लिए था, मनसबदारी सिस्टम भी थी उनके समय में, रिलीजियस पॉलिसी भी अच्छी थी, लैंड रिवेन्यू भी था, सोशल रिफॉर्म, इज अ वेरी गुड रूलर, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हु ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर एबॉलिश पिलग्रिमेज टैक्स, तो वो कौन थे आपके, अकबर थे। देखिए BPSC में आया हुआ सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर मे कॉल्ड एन इनलाइटेंड डेस्पोट, वो है अकबर। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ऑर्डर दैट अ मैन शुड मैरी ओनली वन वाइफ, कुड मैरी अनदर इफ द फर्स्ट वाइफ इज बैरन, मतलब बांझ होगी तब वो आपको कौन है, अकबर। अब कुछ स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट बताना अकबर के रिजाइन में। अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, अकबर ने दिया क्या, फ्रीडम टू गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड डिड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर, एकदम सही है। अकबर ने फिक्स किया एज मैरिज ऑफ कॉल, देखिए UPPCS में आया हुआ हाल ही में सवाल, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा था UPPCS ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैरिज फॉर गर्ल्स फॉर 14 ईयर्स एंड बॉय के लिए फिक्स किया 16 ईयर, एंड उन्होंने फ्रीडम दिया गर्ल्स को टू मैरी देयर ओन विल एंड नॉट अंडर पेरेंटल प्रेशर में ना करें वो। अकबर के रिजाइम में इज नोन एज एनेक्सेशन ऑफ रीजन्स, एकदम सही है, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, ठीक है। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं था, टॉलरेंस था, ठीक है ना, तो ये बहुत सही था। ये गलत ऑप्शन है, तो 1, 2, 3 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द अकबर रिजाइम, वो क्या था, मीर बख्शी था, ठीक है ना, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए। मिलिट्री सिस्टम जो था रिजाइम अकबर का, वो बेस किस पे था, मनसबदारी पे बेस था। द फर्स्ट पर्सन टू गिव प्रॉपर स्टेटस ऑफ दीवान ऑफ अकबर, वो कौन थे, मुजफ्फर खान तुर्बाती थे। द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वॉज बोरोड फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इन, वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता था, मंगोलों के द्वारा क्या किया था, फॉलो किया था। मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया था अकबर, जो वो मंगोल के द्वारा बोरो किया गया था। द टाइप ऑफ मिलिट्री डिवीजन वॉज इंप्लीमेंटेड बाई मंगोलियन आर्मी इन द लीडरशिप ऑफ चंगीज खान, हाउएवर मनसबदारी सिस्टम वॉज वाइडली न्यू, नेवर्थलेस ओरिजिनली इट वॉज बेस्ड ऑन द मंगोलियन मिलिट्री डिवीजन। अब असरसन रीजन एक आ जाता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर एवरी 10 कैवलरी मैन मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस, तो ये एकदम सही था, उन्होंने 20 हॉर्सेस करना पड़ता था। हॉर्सेज हैड टू बी रेस्टेड वाइल ऑन द मार्च एंड रिप्लेसमेंट टू द नेसेसरी इन टाइम्स ऑफ वॉर, ये भी सही है। और दोनों ही क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही होगा। आइए देख लेते हैं आंसर क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है। IAS देखिए प्री 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन था। देखिए ऐसे क्वेश्चन UPSC ही में बन पाते हैं, अब कुछ भी है, स्टेट सर्विस भी इस चीज़ को पैटर्न को फॉलो कर रहा है दोस्तों। कोई भी एग्ज़ाम किसी से कम नहीं है, और कुछ भी कोई भी पैटर्न बदल सकता है। और जब से हमारे नए
यूपीएससी के चेयरमैन बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, वो तब से कुछ भी हो सकता है दोस्तों, इसलिए आप लोग तैयार रहें। बीपीएससी के खास स्टूडेंट और यूपीपीसीएस तो काफ़ी सालों से यूपीएससी को फॉलो करता रह रहा है ट्रेंड, वहाँ एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और हो सकता है इस बार से बीपीएससी में भी देखने को मिले, इसलिए आप हर चैलेंज के लिए तैयार रहें दोस्तों। ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ अकबर एवरी 10 कैवलरी मैन द मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेज। मेन रीजन क्या था? फॉर द कस्टम ऑफिस एजेंशियल टू गिव द रेस्ट टू द हॉर्सेज ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी एंड वॉज नीडेड टू रिप्लेस हॉर्सेज ड्यूरिंग द वॉर। इसलिए दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। जब्ती सिस्टम जो था वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया था? वो अकबर के द्वारा किया था। देखिए बीपीएससी में आया हुआ ये सवाल है, ठीक है, ये आया हुआ सवाल है। चलिए, इन विच मेजर टोडरमल अचीव फेम, वो लैंड रेवेन्यू में, मेरा देखिए यूपीपीसीएस का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। अब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तानसेन वाज द टाइटल गिवन टू रमबाली पांडे बाय द मुगल एम्परर अकबर। स्टेटमेंट टू है क्या? अकबर वाज मैरिड विद द सिस्टर ऑफ राजा रमान सिंह। अच्छा, अबू फजल वाज द ऑथर ऑफ एन ए अकबरी, एकदम सही है। राजा टोडरमल वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी अकबर्स आर्मी। तो ये क्या थे, कमांडर इन चीफ तो नहीं थे दोस्तों, ये कमांडर इन चीफ नहीं थे और इनके साथ तो शादी नहीं होता, रामबाली पांडे के साथ। टाइटल देखिए, तानसेन वाज टाइटल टू रामबाली पांडे बाय द मुगल एम्परर अकबर, ये हम लोग ने अभी कहीं देखा नहीं है तो ये भी क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। अकबर ने मैरी किया था सिस्टर राजा मान सिंह, ये तो हम, ये भी नहीं था। हाँ, अबू फजल एन ए अकबरी जो है अबू फजल ने लिखा, ये देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए आप अगर पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना जीरो रहेंगी। ये देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस 2020 में ऐसा वाला बहुत ही शानदार सवाल है। ये देखिए, नेम ऑफ तानसेन वाज रामू तानु पांडे, ठीक है ना, इसलिए जो तानसेन का नाम क्या था, रामू तानु पांडे था। जहांगीर जो थे वो मैरिड किए थे सिस्टर ऑफ राजा मान सिंह, नॉट अकबर, ठीक है ना। तो किसने किया था? जहांगीर ने किया था, ठीक है, इसलिए दूसरा भी इनकरेक्ट है। और टोडरमल को थे वो रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो फाइनेंशियल मैटर्स देखते थे, कमांडर इन चीफ नहीं थे वो अकबर की आर्मी में। कौन थे कमांडर इन चीफ अकबर की आर्मी में, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और अबू फजल जो है एन ए अकबरी के द्वारा ही लिखा गया था और अबू फजल की डेथ भी हो गई थी किसके चक्कर में, सलीम के चक्कर में हुई थी, ठीक है। विच रेवेन्यू सिस्टम अमंग द फॉलोइंग इज नाउ नोन एज द बंदोबस्त सिस्टम, वो क्या है? दसाला। दसाला जो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था अकबर के रिजाइम में, इसे हम क्या कहते थे, बंदोबस्त सिस्टम भी कहते थे, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिवाइंग लैंड रेवेन्यू ऑन डेक्कन प्रिवलेंट ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ अकबर, वो क्या था? नंबर ऑफ प्लॉ की वजह से। यूपीपीसीएस में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है। टोडरमल जो थे वो एसोसिएटेड किससे थे? अभी मैंने बताया लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से रिलेटेड थे। इनको इन्हीं को भी कहा जाता था टोडरमल बंदोबस्त भी इन्हीं के नाम से पड़ा था, बंदोबस्त जो था टोडरमल बंदोबस्त भी इन्हीं के उससे पड़ा था। अकबर ने अपॉइंट किया था राजा टोडरमल को क्या, फाइनेंस मिनिस्टर और ख्वाजा शाह मंसूर के असिस्टेंट, रीअसेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन्होंने कैलकुलेट किया एवरेज प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप एट एज वेल एज द एवरेज प्राइस प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इन 1571 टू 1580। 1/3 ऑफ द एवरेज वॉज फिक्सड लैंड रेवेन्यू फॉर द स्टेट एंड ऑल्सो कॉल्ड द दहसाला सिस्टम। एन ए दहसाला जो था वो टोडरमल, उनको ही कहा जाता था टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था एन ए दहसाला को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सवाल पूछ सकता है एन ए दहसाला किसको कहा जाता था और आदमी के छक्के छूट जाएंगे और आंसर आदमी दे नहीं पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन शेर शाह एंड अकबर इन द लैंड रेवेन्यू सिस्टम, वो क्या था? टोडरमल, ठीक है। राजा टोडरमल का बताए थे एन ए दहसाला, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था। राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर जो थे वो मेन प्रोपाउंडर थे इस सिस्टम के, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज टोडरमल सेटलमेंट कहा जाता था, ठीक है। ड्यूरिंग द अकबर पीरियड लैंड रेवेन्यू सिस्टम एन ए दहसाला वॉज डेवलप्ड बाई, किसके द्वारा हुआ था? टोडरमल के द्वारा हुआ था। अकबर ने लॉन्च किया दीन ए लाही किस ईयर में किया, वो किया था 1582 में। कौन से रूलर थे जिन्होंने प्रपोर्ट किया दीन ए लाही, वो क्या थे? उनथे अकबर थे। प्रपोगेटेड बाई दीन ए लाही, अकबर थे। देखिए 66वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से हिस्टोरियन थे दीन ए लाही जिनका रिलीजन दीन ए लाही से रिलेटेड था? क्या दीन ए लाही क्या है? एक रिलीजन है, वो क्या है, मतलब दीन ए लाही जो था इज नॉट अ रिलीजन एंड आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द सूफी पैंथियज्म, ठीक है। जहांगीर के जो कंटेम्प्रेरी थे मोहसिन फनी, वो मेंशन किए दीन ए लाही एज एन इंडिपेंडेंट रिलीजन इन द टेक्स्ट ऑफ दबिस्तान ए मजहब। तो ये कौन थे? मोहसिन फ़ानी थे। कौन थे? मोहसिन फ़ानी जो थे उन्होंने
किस टेक्स्ट में लिखा, ये क्या था, एक इंडिपेंडेंट रिलीजन है जो किसके द्वारा कहा गया, जो कहा गया, और ये किस टेक्स्ट में लिखा गया, यह टेक्स्ट था दबिस्तान ए मजहब में ये लिखा गया दोस्तों, ये याद रखिएगा। हु कंस्ट्रक्टेड इबादत खाना किसने किया था, अकबर ने कराया था। चलिए आइए देख लेते हैं, अकबर ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना इन 1575 फॉर होल्डिंग फिलोसफिकल एंड थियोलॉजिकल डिस्कशन विद उलेमास सैयद शेख्स, बट ही ओपन्ड द डोर ऑफ इबादत खान फॉर ऑल स्कूल ऑफ रिलीजन इन 1578। दिस रिलीजियस डिस्कशन इन इबादत खाना लेड टू द डिक्लेरेशन ऑफ महजारनामा इन 1579। महजारनामा जो था पुट एन एंड टू द प्री डोमिनेंस ऑफ द बाइगोटेड ऑर्थोडॉक्स एंड अलाउड द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द जेनरस स्पिरिट विच अकबर विश टू इनकरेज। ये जो डॉक्यूमेंट था वो साइन हुआ किसके द्वारा, उलेमास के द्वारा। महजामा जो था वो स्टेटेड द इनफेलिबिलिटी डिक्री विथ स्मिथ वूली हे एंड हेक के द्वारा। अकबर ने ऑनर किया विद द टाइटल ऑफ सुल्तान ए आदिल और ईमान ए आदिल आफ्टर द इशू ऑफ महजार। स्मिथ ने कहा दीन ए लाही इज़ द मॉन्यूमेंट ऑफ अकबर फुलिशनेस। स्मिथ ने कहा क्या, दीन ए लाही जो है वो मॉन्यूमेंट है किसका, अकबर के फुलिशनेस का, नॉट हिज विजडम। इबादत खाना जो है फतेहपुर सिकरी का वो क्या है, एक मॉस्क है फॉर द यूज़ ऑफ रॉयल फैमिली, नहीं। अकबर का प्राइवेट प्रेयर चैम्बर था, नहीं। यह हॉल था अकबर का हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन, ये एकदम ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, विच मॉन्यूमेंट इज़ नॉट एट फतेहपुर सिकरी, कौन सा मॉन्यूमेंट जो फतेहपुर सिकरी पर नहीं है, ठीक है ना, वो कौन सा है, अकबर महल, जो अकबरी महल जो है वो नहीं है, अकबरी महल जो है वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन दिल्ली इज सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो कौन था, हुमायूं का टॉम्ब। द थ्योरी ऑफ सुल्ह ए कुल जो है वो प्रमोगलेटेड बाई, वो किसके द्वारा हुआ है, वो अकबर के द्वारा हुआ है। मेजर ऑब्जेक्टिव था रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर वॉज टू यूनिवर्सल हारमोनी विच इज बेटर देन एन सुह ए कुल पॉलिसी। अकबर फॉर्मुलेट किया पॉलिसी ऑफ सुल्ह ए कुल इन अ प्लेस ऑफ इस्लामिक कॉन्सेप्ट। ही प्रोमोगलेटेड न्यू सेक्ट दीन ए लाही फॉर रिकन्सिलेशन बिटवीन ऑल रिलीजियस स्कूल इन 1582। सुल्ह ए कुल जो था वो पॉलिसी था, किसका पॉलिसी था, अकबर का, जो रिफ्लेक्ट करता है क्या, इस पॉलिटिकल जेनरोसिटी एंड रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज द लिबरल कल्चर एटीट्यूड, ये कहता है डिपिक्ट करता है अकबर का। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है जो कॉन्सेप्ट है सुल ए कुल एक यूनिवर्सल पीस और फ्रेटर्निटी है अडॉप्टेड बाय अकबर, वो किसका रिजल्ट है, वो है आपका ऑल ऑफ द मतलब पॉलिटिकल जेनरोसिटी भी है, रिलीजियस टॉलरेंस भी है, साथ ही साथ लिबरल कल्चरल एटीट्यूड भी है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है अगेंस्ट विच मुगल एम्परर वॉज फतवा इशूड फ्रॉम जौनपुर, वो कौन है, अकबर। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है असर्शन कहता है कंस्ट्रक्टेड द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी, हाँ एकदम सही है, उन्होंने क्या करवाया था, और अकबर बिल्ट हिज मॉन्यूमेंट टू द कॉमरेट विद द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर, ये क्या है, गलत है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें, अकबर ने एनेक्स किया गुजरात को 1572-73 AD में, उन्होंने इस्टेब्लिश किया सिटी नेम्ड फतेहपुर सिकरी। अ क्लास ऑफ हिस्टोरियन बिलीव दैट अकबर इरेक्टेड इज बुलंद दरवाज़ा, गुजरात की जीत पे ही उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था फतेहपुर सिकरी एज अ विक्ट्री टावर ऑफ कॉमरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, वाइल पर्सी ब्राउन ने रिलेट किया टू इट्स कंस्ट्रक्शन विद द विक्ट्री इन द साउथ इन 1601। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट बाई अकबर, क्या बना था, वो है बुलंद दरवाज़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म, वो कहाँ किया था, अकबर के रिजाइन में हुआ था। अकबर और मुगल एम्परर जो थे वो इंट्रोड्यूस द एजुकेशनल रिफॉर्म इन द करिकुलम ऑफ लर्निंग स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल। सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक अर्थमेटिक लॉजिक इन मेंसुरेशन ज्योमेट्री एस्ट्रोनॉमी फिजियोग्नॉमी अकाउंटेंसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया
एग्रीकल्चर हो गया, ये जो है वो कहते हैं अकबर के द्वारा बताया गया, ठीक है। वेयर इंक्लूडेड इन द कोर्स टू स्टडी हिज कमांड दो ही रिसीव नो फॉर्मल एजुकेशन ही पेट्रोनाइज मैन ऑफ लर्निंग द फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड बाई अकबर इज फाउंड। वो सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट मॉन्यूमेंट कहाँ पे वो है आपका फतेहपुर सिकरी का है, ठीक है, जो 36 किलोमीटर आगरा से दूर है। विच मॉन्यूमेंट बिल्ट बाई अकबर आर्किटेक्टेड अलाइक बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री, वो कौन था, पंचमहल था आपका। अकबर ने कंस्ट्रक्ट कराया फतेहपुर सिकरी, ठीक है ना, इन पंचमहल अकबर ने कंस्ट्रक्टेड किया एक मॉन्यूमेंट फतेहपुर सिकरी, वो है पांच महल, ठीक है, पंचमहल जिसे कहते थे। जहांगीर महल इज़ लोकेटेड, वो कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है। वेयर इज़ द टॉम्ब ऑफ अकबर लोकेटेड, कहाँ पे था, सिकंदरा के पास था। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड इन द रीजन ऑफ अकबर, वो क्या था, रेड फोर्ट दिल्ली का। क्वेश्चन नंबर 57 का था, कुछ एम्परर और उनके टॉम्ब हैं, आइए उन कूटों को मैच कर लेते हैं। बाबर जो हैं, ठीक है ना, बाबर का जो है वो कहाँ पे है, काबुल में है। बाबर का कहाँ पे है, सॉरी सिकंदरा में नहीं है, काबुल में है। काबुल कह रहा हूँ, सिकंदरा लगा रहा हूँ, ऐसे ही गड़बड़ आदमी करता है, ठीक है। अब आपका अकबर का कहाँ है, अकबर का कहाँ पे है, अकबर का आपका है सिकंदरा में, ठीक है। जहांगीर का हम लोगों ने अभी देखा है, जहांगीर का कहाँ है, जहांगीर का आपका है लाहौर में, और साथ ही साथ शाहजहाँ का कहाँ है, आगरा में है, हम लोग ने पढ़ रहे हुए थे, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। बाबर का कहाँ पे है, काबुल में है। अकबर का कहाँ है, सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है और शाहजहाँ का आगरा में है। बाबर का कहाँ पे हुआ है, काबुल में हुआ, 1526 प्रथम युद्ध किस चीज़ का, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था बाबर का, ठीक है ना। काबुल में ये इनका क्या है, मकबरा है, मतलब उनका टॉम्ब है। अकबर का कहाँ पे है, 1556 से 1605 का रिजाइम था वो कहाँ पे है, सिकंदरा में है, ठीक है। जहांगीर का जो रिजाइम था वो 1605 से 1627 के बीच में था लाहौर में, और शाहजहाँ का था 1628 से 1658 आगरा में था। अब कुछ रूलर्स हैं उनके टॉम्ब फिर हैं, आइए देख लेते हैं। बाबर का जो है, बाबर का है वो काबुल में अभी है, हमने देखा है, ठीक है। हुमायूं का देखें, वहीं अगर हुमायूं का देखें तो वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। अकबर का जो है वो सिकंदरा में अभी हम लोग ने पढ़ा है, और जहांगीर का कहाँ है, लाहौर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का था, ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इनटू पर्शियन इन द टाइम ऑफ अकबर वॉज कैरीड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ, वो किसके था, फैजी के सुपरविजन में करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे इस पर। महाभारत का ट्रांसलेशन पर्शियन लैंग्वेज में था वो फैजी के द्वारा करवाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन, वो कौन था आपका, अब्दुल कादिर बदौनी थे, ठीक है। चलिए, द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत इज टाइटल्ड एज, क्या कहते थे, रजनामा कहते थे उसे, रजमनामा। ये देखिए UPPCS प्री में 2001 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट काफ़ी क्वेश्चन है, लगातार 3 एग्ज़ाम के यूपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये अपने आप स्टार मार्क्स है क्वेश्चन, ठीक है। महाभारत जो था ट्रांसलेट इनटू पर्शियन लैंग्वेज, उसका क्या नाम था, रजमनामा था, विद अ जॉइंट एफर्ट ऑफ बदौनी एंड अबू फजल एंड फैजी, ये तीनों जन ने अपना एफर्ट लगाया था। ये देखिए बदौनी भी हैं, ठीक है, अबू फजल भी हैं और फैजी भी हैं, तो अगर ये तीनों आए तो तीनों सही, और किसी का नाम देगा तो सही होगा। बिसाइड दिस बदौनी ट्रांसलेटेड द रामायण, फैजी ट्रांसलेट किया लीलावती को, और अबू फजल ने कलिया दामन को क्या किया, पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। पर्शियन ट्रांसलेशन जो है महाभारत का, विच वॉज डन इन द 16th सेंचुरी, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम कहते थे रजमनामा कहते थे, ठीक है ना, रजमनामा जो था पर्शियन ट्रांसलेशन था किस हिंदू टेक्स्ट का, वो था महाभारत टेक्स्ट का था। किसने ट्रांसलेट किया रामायण इनटू पर्शियन लैंग्वेज इन अकॉर्डेंस विद द विशेस ऑफ अकबर, वो कौन थे, अबू कादिर बदौनी थे। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड रामायण इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, वो कौन था आपका, अब्दुल कादिर बदौनी थे। किसने लिखा तबकात-ए-नासिरी किसने लिखा है, वो निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा तबकात-ए-नासिरी, ठीक है ना।
और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एन ए अकबरी किसने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग अवार्डेड विद द ऑनर ऑफ जारी कलम विद किंग अकबर, बाई किंग अकबर, किंग अकबर के द्वारा जारी कलम किसको कहा जाता था, मोहम्मद हुसैन को कहा जाता था। मोहम्मद हुसैन जो थे वो कश्मीर के थे, फेमस राइटर, अकबर के कोर्ट में, वॉज अडॉन्ड विद द ऑनर ऑफ जारी कलम बाई किंग अकबर, दिस जैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, कहते थे जो जैन मॉन्ग थे जो काफ़ी हु स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर एंड वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ अ जगत गुरु, उनका क्या नाम था, वो हरि विजय सूरी थे उनका नाम था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि एक जैन मॉन्क नहीं थे, दो दो जैन मॉन्क थे, ठीक है ना, दो दो जैन मॉन्क थे, ठीक है ना, दो जैन मॉन्क्स थे और उनका अलग अलग का नाम था, आप लोग इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 कहता क्या, फेमस जो जैन स्कॉलर थे जो रिस्पेक्ट किया अकबर का, बहुत रिस्पेक्ट, वो कौन थे, हरि विजय सूरी करते थे। द फेमस पेंटर ऑफ द मुगल एम्परर अकबर वास, वो कौन था आपका, दसवंत था, दसवंत थे। अबुल फजल जो थे लिस्ट किए 15 आउटस्टैंडिंग पेंटर इन द टेक्स्ट एन ए अकबरी में, वो कौन है, दसवंत है, बसवान है, केशव लाल है, मुकुंद है, मिस्किन है, माधु है, जगन है, महेश है और खेमकरण है, तारा है, सनवल है और हरिवंश हैं। दसवंत जो थे वो संत किसके, पोटर के, और इम्प्रेस अकबर बाई हिज स्किल्स सो दैट ही हेल्प्ड हिम बिकम द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम। दसवंत जो थे वो पोटर के क्या थे, पुत्र थे, किसी पोटर के पुत्र थे और अकबर को अपने स्किल से क्या किए, बहुत इम्प्रेस किए थे। अनफॉर्चुनेटली व्हेन ही वाज एट द हाइट ऑफ हिज ग्लोरी ही बिकम इनसेन और कमिटेड, उन्होंने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ठीक है। यूरोपियन पेंटिंग वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ, यूरोपियन पेंटिंग जो है वो किसके रिजाइन में इंट्रोड्यूस हुई थी, वो तो हमको लगता है हुमायूं के टाइम में इंट्रोड्यूस की थी और हुमायूं को पेंटिंग का बहुत शौक था, ठीक है। यू देखिए 63 BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। यूरोपियन पेंटिंग जो था इंट्रोड्यूस कराया गया था कोर्ट ऑफ अकबर बाई द फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले किसके टाइम में कराया गया था, अकबर के टाइम में ही करवाया गया था। चलिए जसवंत और दसवान जो थे फेमस पेंटर, वो कोर्टियर ऑफ मुगल एम्परर किसके थे, वो थे अकबर के रिजाइन में। देखिए 60 से 62 BPSC में आया हुआ सवाल, देखिए ये क्या किया हमने, उसका आपका वो पढ़ा, क्या पढ़ा, आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ा और हमारा क्या हुआ, एक अलग एक क्वेश्चन जनरेट हो गया, देखिए ये पूछ भी दिया गया। इसी तरीके से सवाल होते हैं दोस्तों, किसी चीज़ को स्किप मत कीजिएगा, देखिए अगर आप स्किप करके पढ़ रहे हैं तो कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं, सच्चा मत पढ़िए, मैं सीधा कहता हूँ, पढ़ना है पढ़िए, मतलब पूरा पढ़िए वरना मत पढ़िए, और नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैं तो सब चीज़ पढ़ चुका हूँ। और इसमें यह है कि आप अगर स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ेंगे तो और फ़ायदा होगा, और नहीं पढ़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं होने से अच्छा कि पढ़ लीजिए, अभी भी समय है, अभी भी जो गाय है वो कम घास चरी है, इससे अच्छा है कि ढंग से पढ़ लीजिए और सारी चीज़ों को पढ़ करके अच्छे मार्क्स से पास होइए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो फॉर्म हुई 1600 AD में, ठीक है। एलिजाबेथ जो थी एम्प्रेस इंग्लैंड की और अकबर एम्परर थे इंडिया के एट दैट टाइम, मतलब जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी और अकबर थे क्या एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे। इंडियन जो रूलर थे कंटेम्प्रेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन इंग्लैंड, एलिजाबेथ और इंग्लैंड वॉस, वो कौन थे, अकबर थे, अभी हम लोग ने पढ़ा है। क्योंकि अकबर का जो रिजाइम था वो 1556 से 1605 AD के बीच में था और टेन्योर था एलिजाबेथ वन का वो 1558 से और 1603 के बीच में था, तो ये क्या करे, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। जो मेडिवल इंडियन राइटर हैं हु रिफर्स द डिस्कवरी ऑफ अमेरिकाज इज, वो कौन है, अबू फजल ने, अबू फजल ने लिखा मेडिवल पीरियड, वो अबू फजल जो थे वो राइटर किसके थे, मेडिवल पीरियड के, जिन्होंने रिफर्स किया डिस्कवरी ऑफ अमेरिका का। फर्स्ट इनलाइटमेंट ऑफ अकबर कोर्ट वॉस, फर्स्ट इनलाइटमेंट नहीं, थोड़ा सा मैं सॉरी फॉर द मिसलैंडिंग, ये इंग्लिश मैन है, पहले इंग्लिश मैन जो विजिट किए थे अकबर के कोर्ट को वो कौन थे, राफ फिच थे। राफ फिच जो थे 1583 से 86 के बीच में आए थे, इंग्लिश मर्चेंट थे जो आगरा और फतेहपुर क्या किए थे, विजिट किए थे। वो ऑब्जर्व किया वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड ट्रैवलिंग द प्रेजेंटेड प्रीशियस नैरेटिव अबाउट द इंडियन ट्रेड पॉइंट्स एंड टाउनशिप सेंटर ऑफ द 16th century। अब कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है अकबर के रिजाइन में हुई हुई चीज़ें को। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ये क्या कर रहे हैं, अबॉलिशन ऑफ जजिया, सबसे पहले जजिया ख़त्म किया था, जजिया ख़त्म किया 1564 AD में,
1564 AD में इन्होंने ख़त्म किया। कब किया? 1564 AD में किया। कंस्ट्रक्शन किया इबादत खाना का, वो कब कराया था? 1575 AD में उन्होंने क्या किया, कराया था, ठीक है। सिंगिंग ऑफ मज़ार, मज़ार कब कराया था? 1579 में कराया था। 1579 में इन्होंने कराया था मज़ार का, सिंगिंग ऑफ मज़ार कब किया था? 1579 AD में, ठीक है, 1579 AD में कराया था। सॉरी फॉर द थोड़ा सा आवाज़ वो हो गई थी थोड़ा दोस्तों। फाउंडेशन ऑफ दीन इलाही, फाउंडेशन ऑफ दीन इलाही कब रखा गया था? 1582 में करवाया था, 1582 में करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा उस हिसाब से सही होगा दोस्तों। कम टू क्वेश्चन नंबर 78, अकबर ने मर्ज किया बंगाल और बिहार को इन हिज एम्पायर, कब किया? ये किया था उन्होंने 1576 में कर लिया था। दाऊद खान जो थे वो सक्सीडेड हिज फादर सुलेमान करानी इन 1572 आफ्टर हिज डेथ। दाऊद खान जो थे वो इन्वेट किया पटना को, वो मुगल फोर्ट आफ्टर डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट रूलर। अकबर ऑर्डर किए मुनीम खान को टू सप्रेस हिज रिवोल्ट एंड ऑक्यूपाई बिहार। मुनीम खान ने डिफीट किया दाऊद खान को इन द बैटल एंड एनेक्स बिहार इन 1574। दाऊद फ्लीड अवे फ्रॉम अवे टू बंगाल आफ्टर हिज डेफेट, ठीक है। ऑन 12th of March 1576 टोडरमल और मुजफ्फर खान जो थे और हुसैन कुली खान जो थे जॉइंटली डिफीट किए दाऊद को, ठीक है। मुजफ्फर खान, हुसैन कुली खान और टोडरमल ने क्या कहते हैं किसको किया, हरा दिया दाऊद को, ठीक है। अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर इन 1576, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अकबर का रिजाइम था, जो अकबर का रिजाइम था 1556 से 1605 ईस्वी तक एडी तक जो था वो हम लोग ने क्या किया, कवर कर लिया। और ये ज़बरदस्त रिजाइम था अकबर का और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है और ये कभी भी ये अनदेखा जो हमारा इतिहास है अकबर का बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूँ आज का अकबर का आपका जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। ये घटना चक्र की सीरीज है दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से चीज़ों को क्या करें, समझ सकें, ठीक है। मैं भी चाहता तो वन गो में सारी चीज़ों को एक बार में, कहते हैं ना एक ही डंडे से सबको हाँक दिया और ख़त्म कर दिया, वो ऐसा मेरा कोई ना इंटेंशन है ना करने की चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ें, चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ें। अकबर पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने स्टैंडर्ड बुक से अकबर पढ़ें और आके क्वेश्चन यहाँ लगा लें, फट से आपका क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और क्या होगा, आपको चीज़ें क्या होंगी बैक टू द माइंड, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और सारे डॉट एक साथ क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। चलिए आइए बिना फर्दर डिलेट किए आप जहांगीर को भी देख लेते हैं, जहांगीर का भी सेशन कैसे कैसे क्या था, आइए चलिए देखते हैं। जहांगीर जो थे उनका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को, मतलब 1569 AD में। इनका जो पहला जो निकाह जो हुआ था वो डॉटर थे किसके, भगवान दास की, उनके साथ हुआ था, हुआ द किंग ऑफ अंबर और एंड द सिस्टर किंग ऑफ मानसिंह, सिस्टर किंग थी किसकी, मानसिंह की, मानबाई इन 1585 AD खुसरो, ठीक है ना, वॉज द सन ऑफ मानबाई। एडी खुसरो जो थे वो मानबाई के क्या थे, पुत्र थे। सेकेंड मैरिज जो था सलीम का, सेकेंड मैरिज ऑफ सलीम वॉज विद द जगत गोसाई के साथ हुआ था, जो डॉटर थी किसकी, उदय सिंह के, सिंह की थी, 1586 AD में। शहजादा खुर्रम वॉज द सन ऑफ जगत गोसाई, शहजादा खुर्रम जो थे वो जगत गोसाई के क्या थे, पुत्र थे। जहांगीर जो थे वॉज कोरोनेटेड, जहांगीर जो थे, जहांगीर का कोरोनेशन जो हुआ था इन द फोर्ट ऑफ आगरा, जहांगीर का जो कोरोनेशन हुआ था फोर्ट ऑफ आगरा इन 1605 AD में। अडॉप्टेड किए थे वो, अब मतलब कि टाइटल उन्होंने लिया था वो क्या था, नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह का उन्होंने क्या था, टाइटल लिया था, बादशाह गाजी का टाइटल लिया था। कंटिन्यूइंग द ट्रेडिशन ऑफ अकबर, जहांगीर स्टार्टेड द रूल जेनरसली एंड व्हेन ही सेट ऑन द थ्रोन ही गेव वेरियस पॉपुलिस्ट ऑर्डर, दो अस्पा एंड सी अस्पा सिस्टम ऑफ इंट्रोड्यूस बाई जहांगीर। अंडर द सिस्टम मनसबदार हैड टू मेंटेन एन एक्सेस नंबर ऑफ सोल्जर विदाउट एलिवेशन रैंक जट इन रिटर्न। दो अस्पा क्या होता था, मनसबदार हैज़ टू मेंटेन डबल द नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एज रिक्वायर्ड फॉर देयर सवार रैंक, ठीक है। सी अस्पा क्या था, मनसबदार हैड टू मेंटेन थ्री टाइम्स नंबर ऑफ
हॉर्सेज रिक्वायर्ड फॉर देयर सवार रैंक, ठीक है ना। ट्रिटी ऑफ चित्तौर जो था साइन किया गया मुगल एम्परर जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में हुआ था, जो मेवाड़ के थे 1615 AD में। राणा ने एक्सेप्ट किया अलायंस ऑफ मुगल एम्परर एंड जहांगीर रिटर्न चित्तौर विच वॉज एनेक्स्ड बाई मुगल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। नूरजहाँ जो थी वो वॉज अ कल्चर्ड एजुकेटेड इंटेलिजेंट डोमिनेटिंग लेडी एंड एम्प्रिशियस लेडी वाइफ ऑफ मुगल एम्परर ऑफ जहांगीर। नूरजहाँ जुंता कंसिडर्ड अ ग्रुप ऑफ फाइव, हर सेल्फ, हर मदर असमत बेगम, हर फादर मिर्ज़ा घियास बेग, इतमाद उद दौला, हर ब्रदर और असफ खान एंड प्रिंस खुर्रम के लिए उन्होंने ग्रुप बनाया था 5, ठीक है। प्रिंस खुर्रम जो थे शाहजहाँ, प्रिंस खुर्रम हैज़ बीन अलाइड विद नूर जहाँ थ्रू मोस्ट ऑफ हिज फादर रिजाइन, बट व्हेन ही स्वंग हर सपोर्ट टू हर सन इन लॉ सरयार, ही लेफ्ट द जुंता एंड रिबेल्ड। द रीजन ऑफ जहांगीर इन्फ्लुएंस्ड बाई नूरजहाँ, रिजाइन था जहांगीर का, वो इन्फ्लुएंस था किसके द्वारा, नूरजहाँ के द्वारा। कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, 1611 टू 1622 AD एंड 1622 टू 1627 AD के बीच में था। खुर्रम वॉज द मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप, खुर्रम जो था इस ग्रुप का क्या था, मेम्बर था, ठीक है, मेम्बर ऑफ दिस ग्रुप इन द फर्स्ट पीरियड बट नॉट द पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ द सेकेंड पीरियड। विलियम हॉकिंस जो थे फर्स्ट इंग्लिश थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से थे, जो विजिट किए थे कोर्ट किसके, जहांगीर के 1608 से 1611 AD में, ठीक है। जहांगीर गेव हॉकिंस द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, ठीक है, उन्होंने टाइटल दिया, एंड ऑल्सो मेड हिम मैरी अ लेडी ऑफ आर्मेनिया, ठीक है ना। जहांगीर ने हॉकिंस को टाइटल ऑफ इंग्लिश खान का उपाधि दिया, और ऑल्सो क्या कहते हैं, मेड हिम मैरी अ लेडी ऑफ आर्मेनिया। सर थॉमस रो जो थे वो लीडर थे, जो सर थॉमस रो जो थे वो लीडर थे ऑफ द सेकेंड डेलीगेशन विच विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ सर जहांगीर। सर थॉमस रो थे जो अराइव किए थे सूरत ऑन 18 सितंबर 1615 एज एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन। ही अटेंडेंट द कोर्ट ऑफ जहांगीर इन अजमेर इन जनवरी 1616 AD। ही गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट मांडू, ठीक है, अहमदाबाद एंड अजमेर, ठीक है, विद द एम्परर। ही ऑल्सो वेंट टू हंटिंग विद द एम्परर। ही स्टेड फॉर 1 year इन आगरा, वो एक साल तक आगरा में भी रहे। पीटर मुंडी थे एक ब्रिटिश ट्रेवलर जो आए थे भारत, ठीक है ना, किसके रीजन में, शाहजहाँ के। फ्रांसिस्को पेल्सियर्ट जो थे एक डच ट्रेवलर थे, ये क्या था, एक डच ट्रेवलर थे जो वो भी भारत आए थे किसके, जहांगीर के पीरियड में। और लेफ्ट अ यूनिक अकाउंट ऑफ मुगल एम्पायर ऑफ हिस्टेक द रिमोन्स्ट्रेंटी, वो क्या था उनके ग्रुप का, वो था एक यूनिक अकाउंट था, ठीक है ना, मुगल एम्पायर का, जिसका यूनिक अम्पायर अकाउंट ऑफ द मुगल एम्पायर इन द टेक्स्ट ऑफ रिमोन्स्ट्रेंटी मैंने उन्होंने मुगल एम्पायर के बारे में बताया, ठीक है। मुगल पेंटिंग जो थी रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ जहांगीर। जहांगीर को मतलब पेंटिंग से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ही ज़्यादा उसके कहते हैं ना कि इच्छुक थे, मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब कि उनके ऊपर रुझान था, किसके ऊपर, पेंटिंग्स के ऊपर। द पेंटिंग्स वेयर कंसर्नड विद द कंटेंट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट बट जहांगीर फ्रीड इट फ्रॉम द बॉन्डेज। उस्ताद मंसूर जो थे अबुल हसन थे, ये एक्सीलेंट पेंटर थे किसके रिजाइन में, जहांगीर के रिजाइन में। एम्परर जहांगीर जो थे बेस्टोर्ड बोथ उस्ताद मंसूर नादिर अल उल असरा और अहमद हसन, जो नादिर और उद जवान इनको कहते हैं। उस्ताद मंसूर जो थे एक स्पेशलाइज डिपिक्टिंग स्पेशलाइज थे किस में, उस्ताद मंसूर प्लांट और एनिमल के डिपिक्ट करने में, वाइल अबुल हसन जो थे वो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट थे। जहांगीर क्या थे, एज एन आउटस्टैंडिंग एक्टर, वो एक आउटस्टैंडिंग एक्टर थे, एक्टर कह रहे हैं, ऑथर थे एज वेल एज द क्रिटिक, ठीक है ना, और वो क्या करते थे, कटाक्ष भी करते थे चीज़ों पे। ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन लैंग्वेज एंड टाइटल, और उन्होंने टाइटल किया क्या, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी उसका नाम रखा। जहांगीर के जो एल्डेस्ट सन थे वो कौन थे, जहांगीर के जो एल्डेस्ट सन थे उनका क्या नाम था, खुसरो था, और उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट जहांगीर जस्ट आफ्टर द कोरोनेशन, बट द रिवोल्ट वॉज सप्रेस्ड इन 1606 AD।
द रिवॉल्ट ऑफ शहदरा खुर्रम वॉज डिसमिस्ड बाई मुगल आर्मी अंडर द मोहब्बत खान, मोहब्बत खान के द्वारा उसको डिसमिस्ड कर गया 1623 AD में। मोहब्बत खान ने रिवोल्ट किया किसके अगेंस्ट, जहांगीर के 1626 AD में। द मुस्लिम्स ऑफ मुगल्स एम्परर बाबर एंड जहांगीर आर लोकेटेड इन काबुल एंड शहदरा लाहौर रिस्पेक्टिवली, बोथ ऑफ देन आर लोकेटेड इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रिस्पेक्टिवली। द टॉम्ब ऑफ इतमाद उल दौला वॉज बिल्ड बाई नूर जहाँ एट आगरा बिटवीन 1622 to 1628 AD आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। दिस इज द फर्स्ट टॉम्ब ऑफ इंडिया वॉज इंटायरली मेड अप ऑफ मार्बल। इन स्पाइट ऑफ मार्बल एंड इनले ऑफ वर्क इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वेन अ न्यू स्टाइल ऑफ ऑर्नमेंटेशन पित्रदूरा वॉज यूज। पित्रदूरा उस समय क्या हुआ, यूज हुआ। गोविंद पैलेस जो था, ये 7-story बिल्डिंग है जो लोकेट कहाँ पे, दतिया मध्य प्रदेश में। गोविंद पैलेस ये कंस्ट्रक्ट कराया गया था राजा वीर सिंह देव ने 1680 AD में विथ स्टोन्स। तो दोस्तों जहांगीर का भी रिजाइन जो था हम लोग ने उसको देख लिया है, आइए उसके जो इम्पोर्टेंट MCQ हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट उनको भी देख लेते हैं। किसने इंट्रोड किया दो अस्पा सी अस्पा, वो किसने, ये देखिए BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में 46वें BPSC में, ये है आपका जहांगीर है। दो अस्पा में क्या था, मनसबदार हैड टू मेंटेन डबल हॉर्सेज इन कंपेरिजन ऑफ टू देयर सवार रैंक, ठीक है ना, डबल रखना था, डबल हॉर्सेज रहने चाहिए, मतलब जो सवार रैंक के क्या क्या होने चाहिए, डबल होने चाहिए, ठीक है ना। और मनसबदार को अब सी अस्पा क्या था, ट्रिपल नंबर ऑफ हॉर्सेज होना चाहिए कंपेरिजन टू सवार रैंक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ ये है चलते हैं स्टेटमेंट्स हैं उनको चेक करना है मुगल मनसबदारी सिस्टम के अकॉर्डिंग। जाट और सवर जो थे वो रैंक किसका था, रैंक को क्या थे, उनको रैंक मिला था, वेयर ग्रांटेड, एकदम सही है, जाट और सवर रैंक मिला था। मनसबदार था वो क्या था, वर हेरिडेटरी ऑफिसर, मनसबदार क्या थे, हेरिडेटरी ऑफिसर्स थे, नहीं हेरिडेटरी ऑफिसर्स नहीं थे। दे वर 3 कैटेगरी ऑफ मनसबदार्स, हाँ 3 कैटेगरी था, हम उन्हें हमने बताया भी था, ठीक है। दे आर पेड सैलरीज बाय द दीवान ऑफिस, दीवान ऑफिस से उनको सैलरी नहीं मिलती थी, वन और थ्री क्या है सबसे ऑप्शन सही है। मनसबदार जो थे वो 3 में थे, मनसबदार आमिर और आमिर आज़म। 500 जट से जो कम थे वो उसको मनसबदार कहते थे, ठीक है। देखिए इसमें देख लेते हैं, मुगल एम्परर अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम 11th ईयर ऑफ रिजाइन, ठीक है ना, 11वें साल में। मनसबदारी के 3 स्केल थे, मनसबदार जो थे 500 से नीचे जट थे, जो 500 जट से और या उससे नीचे जो थे उनको मनसबदार कहते थे, आमिर कहते थे 500 से 2500 के जट के जत के बीच में उसे आमिर कहते, और आमिर आज़म कहते थे जिसका 2500 से ऊपर जत होता था। बिसाइड क्लासिफिकेशन अकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जत एंड सवार, 3 कैटेगरीज आर देयर, ठीक है। मनसबदारी जो था वो पेड थ्रू द रेवेन्यू असाइनमेंट, ठीक है ना, जागीर ऑन सैलरीज बोथ, ठीक है ना। जागीर जो था ट्रांसफ़र किया एंड कुड नॉट सीज अपॉन डेथ, मनसबदारी वॉज नॉट अ हेरिडेटरी, हेरिडेटरी कौन नहीं था, मनसबदारी था, जागीरदारी था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, इन हुज रिजाइन द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ साइंड विद मुगल एंड राणा में ऑफ मेवार, वो कौन थे, जहांगीर के रिजाइन में था। देखिए UPSS में आया हुआ ये सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, वो कौन थे आपके, सर विलियम हॉकिंग्स थे 1608 से 1611 के रिजाइन में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन टू जहांगीर कोर्ट्स, जहांगीर के कोर्ट में वो कौन थे, ये क्वेश्चन क्या है, डिस्प्यूटेड है दोस्तों। तो इन क्वेश्चन को क्या कहते हैं, UPSC में कोई एक आध क्वेश्चन डिस्प्यूटेड होता ही है और हर स्टेट सर्विस में एक आध क्वेश्चन हो ही जाता है। विलियम हॉकिंग्स आए थे, वो पहले एम्बेसडर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से किसके कोर्ट में आए थे, जहांगीर के। ही वॉज सेंट बाई ईस्ट इंडिया कंपनी और वो उन्होंने वो कितने देर रहे, 3 साल रहे रॉयल कोर्ट में। जहांगीर ऑनर्ड उनको किसके मनसब से, उनको ऑनर किया ऑफ 400, ऑनर्ड विथ हिम 400 मनसब। सर थॉमस रो जो थे वो लीडर थे सेकंड डेलीगेशन ऑफ विजिट कोर्ट ऑफ जहांगीर। सर थॉमस रो जो थे वो पहले एम्बेसडर थे जो किंग जेम्स वन के द्वारा भेजे गए थे एंड द कोर्ट ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं, हुम द फॉलोइंग इंग्लिशमैन डिड जहांगीर रिस्पेक्ट द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान, वो कौन थे, हॉकिंग्स कहते थे इंग्लिश खान,
पोटित बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यूपीपीसीएस में फिर आया हुआ क्वेश्चन है, मुगल एम्परर जहांगीर गेव द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान किसको दिया था, विलियम हॉकिंग्स को दिया था। सर थॉमस रो जो थे भारत आए थे एज एन ब्रिटिश एम्बेसडर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ जहांगीर के समय में आए थे। सर थॉमस रो जो थे एम्बेसडर थे जेम्स वन के समय में ऑफ इंग्लैंड विकम टू केम टू इंडिया, वो कब आए थे, वो आए थे 1516 में आए थे, 1616 कह रहा हूँ, कब आए थे आपका 1615 में आए थे, ठीक है ठीक है। सर थॉमस रो जो थे अराइव किए सूरत 18 सितंबर 1615 में एज एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटिश किंग जेम्स वन, ही अटेंड द कोर्ट ऑफ जहांगीर अजमेर इन 1616। उन्होंने अपॉर्चुनिटी किया पाया टू विजिट मांडू अहमदाबाद और अजमेर विद द एम्परर, ही ऑल्सो वेंट फॉर हंटिंग विद एम्परर, और उन्होंने वो एक साल रहे आगरा में भी, कौन आपके विलियम जो आप कहते कौन जेम्स वन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि थॉमस रो ने रिसीव किया ऑर्डिनेंस बाय जहांगीर एट, थॉमस रो वॉज रिसीव इन ऑडियंस बाय जहांगीर एट, वो कहाँ पे मिले थे, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है क्या, कौन से ब्रिटिश एम्बेसडर थे केम बिहाइंड जहांगीर फ्रॉम अजमेर टू मांडू, वो कौन आए थे, सर थॉमस रो आए थे। एक ड्रच ट्रेवलर था जो हु वॉज गिवन अ वेरी वैल्यूएबल अकाउंट ऑन द रिजाइम ऑफ जहांगीर, वो क्या था, वो कौन था आपका, फ्रांसिस्को पेल्सरेट था, पेल्सरेट था, फ्रांसिस्को पेल्सरेट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अमंग द फॉलोइंग द फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर, जहांगीर के रिजाइम में कौन आया था, वो था फ्रांसिस्को पेल्सरेट आया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है क्या, कौन सा मुगल एम्परर है जो जिसके पास हैज़ नो मॉसोलियम इन इंडिया, वो कौन नहीं है, जहांगीर वो बाबर के उसमें हैज़ नो मॉसोलियम इन इंडिया, विच मुगल एम्परर हैज़ नो मॉसोलियम इन इंडिया, वो कौन है, जहांगीर का और बाबर का है वो नहीं है, ये मॉसोलियम जिस किसका नहीं है, मॉसोलियम मतलब होता है क्या आपका मकबरा, मकबरा मकबरा किसका नहीं है, जहांगीर का नहीं है और बाबर का नहीं है, और क्योंकि बाबर का जो है हमारा जलते हैं बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है, काबुल में है, और क्या कहते हैं जहांगीर का वो कहाँ पे है, शाहदरा में है जो लाहौर में है इस समय प्रेजेंट डे में। वेयर इज एम्परर जहांगीर बरीड, वो कहाँ पे है, लाहौर में हुए। अमंग द फॉलोइंग हुज टॉम इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, वो कौन है, जहांगीर का है, कहाँ पे हुआ है, शाहदरा में उनका कोरोनेशन हुआ है, कोरोनेशन कहना है वो बरीड मतलब कि उनको वहीं दफनाया गया। मुगल पेंटिंग जो था रीच इट्स जेनिथ, वो किसके रिजाइन में था, जहांगीर के रिजाइन में था। देखिए आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है 1996 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है क्या, हु आर द फॉलोइंग पेंटर आर गिवन द टाइटल ऑफ नादिर उल जमान बाई जहांगीर, वो कौन थे, अबू हसन थे, अबू हसन के द्वारा कराया गया था। विच हु ऑफ द फॉलोइंग पेंटर ऑफ जहांगीर रिजाइन वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ नादिर उल असर असरा, वो कौन है, मंसूर थे, जो ग्रेटेस्ट पेंटर थे और बर्ड पेंटर ऑफ बर्ड्स एट जहांगीर कोर्ट, वो कौन थे आपके, मंसूर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन, वो कौन थे, जहांगीर थे, ठीक है। किलर ऑफ अबू फजल वॉज अवॉर्डेड बाई, वो कौन थे आपके, जहांगीर थे, ठीक है। अब ये क्या था, मुगल ऑफ एम्परर और जहांगीर कौन कौन रिबेल किया था सबसे पहले, कौन कौन किया था वो बताना है। तो कौन किया था, खुर्रम ने किया था, जिसको मोहब्बत खान ने क्या किया, सप्रेस कर दिया था, मोहब्बत खान ने उसके बाद कर दिया था, उसके बाद खुसरो ने भी किया था, तो 2, 3, 4 क्या है, एकदम सही है। खुसरो वाज अ सन ऑफ मुगल एम्परर, वो किसके थे, जहांगीर के पुत्र थे, उन्होंने ही क्या किया, उनके खिलाफ वो कर दिया था, वो रिवोल्ट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग नॉट मेंबर ऑफ नूर जहाँ जुनता, वो कौन थे, जहांगीर खुद नहीं थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता था, इतमाद उद्दौला का जो टॉम्ब है आगरा में, देखिए बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, 48 से 52 बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ठीक है। वो कौन था, किसके द्वारा बनवाया गया था, वो बनवाया गया था आपका नूर जहां के द्वारा, क्या हुआ, बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, बिल्डर और मॉन्यूमेंट है, बिल्डर किस बिल्डर ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनवाया, बाबर ने बनवाया था जामा मस्जिद संभल, ठीक है, संभल बनवाया था, जामा मस्जिद जो था बाबर ने बनवाया था, ठीक है। आपका जो हुमायूं ने बनाया था दीन पनाह बनवाया था, हुमायूं ने क्या बनवाया था, दीन पनाह बनवाया था, ठीक है।
अकबर ने बनवाया था जहांगीरी महल, जाहिर सी बात है जहांगीर से रिलेटेड जहांगीरी महल उन्होंने बनवाया था, ठीक है ना। अकबर ने क्या बनवाया था, अकबर ने क्या बनवाया था, जहांगीरी महल बनवाया था, और जहांगीर ने बनवाया था अकबर मौसलम कंपाइलेशन बनवाया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है गोविंद पैलेस एक एक्सेलेंट स्पेसिमेन ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर इज लोकेटेड एट, वो कहाँ पे, दतिया, जो कि कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, अकबर का जो टॉम्ब है वो कहाँ पे, सिकंदरा में है, ठीक है। जहांगीर का कहाँ पे, शाहदरा में है। शेख मनुद्दीन चिश्ती का जो है, शेख सलीम चिश्ती का जो है वो फतेहपुर सिकरी में, एकदम सही है। शेख निजामत औलिया का जो है ये कहाँ पे है, अजमेर में नहीं है, ये कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। तो डी जो ऑप्शन है वो गलत है। तो दोस्तों देखिए, हम लोग ने धीमे धीमे करके आपका जहांगीर का जो रिजाइम था वो भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। अब अगला रिजाइम जो है वो किसका रिजाइम है, आइए देख लेते हैं, वो है शाहजहां का रिजाइम। आइए बिना फर्दर डिले किए हुए शाहजहां को भी देख लेते हैं, ठीक है। शहजादा खुर्रम वॉज बॉर्न ऑन 5 जनवरी 1592, कहाँ पे, लाहौर में। उनकी माँ का नाम क्या था, जगत गोसाई था। द डॉटर ऑफ द रूलर ऑफ मारवाड़ उदय सिंह, शहजादा खुर्रम जो जिनका जो विवाह निकाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, अर्जुमंड बानू बेगम के साथ हुआ था। जो डॉटर थी आसिफ खान की, 1612 AD में। शी वॉज अ फेमस हिस्ट्री एज मुमताज़ महल के जैसे उनके भी क्या है, फेमस हिस्ट्री है। शाहजहाँ अडोप्टिंग द टाइटल ऑफ अब्बुल मज़ार साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब या किराने सानी, ठीक है ना, किराने सानी सेट ऑन द थ्रोन, ठीक है ना, शाहजहाँ वो थ्रोन पे बैठते हैं, ठीक है। हिज कोरोनेशन टुक प्लेस इन आगरा, ठीक है ना। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ आगरा टू डेली, अहमदनगर जो था इंक्लूडेड इन द मुगल एम्पायर इन 1633 AD। हुसैन शाह जो थे वो लास्ट रूलर थे अहमदनगर के, उनको इम्प्रिजन किया गया फोर्ट ऑफ ग्वालियर। निज़ाम शाही सरदार शाही जी भोसले कंटिन्यू किए स्ट्रगल विद द मुगल्स इन द नेम ऑफ वन चाइल्डहुड मुर्तजा थर्ड। फाइनली 1636 में शाहजी ने सराउंड किया मुगल्स को इन द चुनार फोर्ट। शाहजी हैंडेड ओवर सेवरल फोर्ट्स एंड मुर्तजा थर्ड ऑफ द टू द मुगल्स। मुर्तजा थर्ड जो थे उनको इम्प्रिजन किया गया इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर एंड शाहजी एक्सेप्टेड द सर्विस ऑफ बीजापुर स्टेट। औरंगजेब थे उस समय क्या थे, गवर्नर थे ऑफ दक्कन इन ड्यूरिंग 1636 से 1644 AD तक इन द रीजन ऑफ शाहजहां एंड ही वॉज री अपॉइंटेड एट दिस डेजिग्नेशन इन द ईयर 1652। ही रिमेंड एट द डेजिग्नेशन टिल द विक्ट्री वॉज इन द वॉर ऑफ सक्सेशन एंड बिकमिंग द मुगल एम्परर। कंधार जो था वॉज द कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाहजहां ऑफ ईरान एंड मुगल रूलर बिकॉज इट बिकम द प्रेस्टिजियस इशू ऑफ परेशियन एंड मुगल्स। द लॉस ऑफ कंडहार वॉज स्ट्रेटेजिकली बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर। द लॉस ऑफ कंडहार एक्सपोज द मुगल किंगडम टू आउटसाइड अटैक्स। फाइनली कंदहार स्लिप्ड आउट फ्रॉम द हैंड ऑफ मुगल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां वीकनिंग मुगल्स ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क एंड बदख्शान कैंपेन वॉज टू सिक्योर फ्रेंडली रूलर बल्क एंड बदख्शान विच शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ काबुल सो इट बिकम अ बफर स्टेट बिटवीन द मुगल्स एंड द पर्शियंस। शाहजहां पीरियड जो था कंसिडर टू द गोल्डन एज ऑफ द मुगल पीरियड बिकॉज टाइम देयर वॉज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब्सटेंशियल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट लिटरेचर एंड एजुकेशन इन द पीरियड ऑफ टू स्टाइल्स ऑफ परिशियन लैंग्वेज एंड वॉज प्रिवलेंट इन द फर्स्ट इंडियन एंड पर्शियन एंड द सेकंड वॉज ईरानियन परिशियन। अबू फजल वॉज द मोस्ट वॉज द बेस्ट प्रमोटर ऑफ द इंडियन पर्शियन स्टाइल। द स्कॉलर ऑफ दिस स्टाइल वेयर अब्दुल हमीद लाहौरी मोहम्मद वारिस और चंद्रभान ब्राह्मण ये थे वो फेमस स्कॉलर थे। ईरानियन पर्शियन स्टाइल जो था स्कॉलर वेयर अमीनी खजवानी एंड जलालुद्दीन ताताबाई। ईरानियन पोइट्री स्टाइल वॉज क्वाइटली डोमिनेटिंग ड्यूरिंग द टाइम ठीक है। फिर क्या था कि ड्यूरिंग द टाइम शाहजहां अपॉइंटेड द पर्शियन पोइट्री स्टाइल पोएट कलीम एज राजकवि। इन एडिशन टू कलीम
पर्शियन पोइट्स साइद याई गिलानी कादसी और मीर मोहम्मद काशी, सलीम मसीह, रफ़ीक फ़ारूक, मुनीर सकोदा, चंद्रबदास ब्राह्मण, हजीक दलेरी एट्सेट्रा, ये कौन थे? ये सब पोएट, ये लोग पोएट थे, वेर अमंग अदर, और भी कोई और भी लोग क्या थे? पोएट्स थे इनके रिजाइम में, ठीक है। कवि चंद्रा कविंद्र आचार्य जो थे वो एक इंडिपेंडेंट पोएट थे, किस पे? शाहजहाँ के टाइम में, एंड हैड ए कविंद्र आचार्य जो थे एक डिपेंडेंट पोएट थे, किसके रिजाइम में? शाहजहाँ, और हैड अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दी एंड ब्रज इन हिज लैंग्वेज। कविंद्र कल्पलता जो थे उन्होंने लिखा प्रेज ऑफ शाहजहाँ, ही रिक्वेस्टेड द एम्परर फॉर द एबॉलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स एंड गॉट इट एबॉलिश्ड। उपनिषद जो था वो ट्रांसलेट किया गया पर्शियन लैंग्वेज में ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ शाहजहाँ बाई द सन दारा शुको, टाइटल एस सर अकबर, ठीक है ना। 52 उपनिषद जो थे ट्रांसलेट कर दिया गया इस किताब में, ठीक है। लेन ऑफ पुल नेम्ड दारा शिको एज लिटिल अकबर। शाहजहाँ जो थे उन्होंने टाइटल दिया शाह बुलंद इकबाल। मजबा उल बहरेन इज अ मास्टर पीस ऑफ दारा शिको। शाहजहाँ ने कलेक्ट किया डिज़ाइनर इंजीनियर आर्किटेक्चर फ्रॉम कहाँ कहाँ से किया? इंडियन, परेशियन, सेंट्रल एशियन कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल विच इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन, पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन आर्किटेक्चर। जामा मस्जिद जो था दिल्ली का वो भी शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया, ठीक है ना, शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया। जामा मस्जिद जो है दिल्ली का वो भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया। और बिल्डिंग जो थी शाहजहाँ के समय में वो थी दीवान आम, दीवान खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मसनून बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और रेड फोर्ट जो थे ये इनके प्रोमिनेंट बिल्डिंग्स थी। शाहजहाँ एज अकबर फतेहपुर सिकरी एस्टैब्लिश अ सिटी नेम शाहजहाँबाद इन हिज नेम इन दिल्ली 1648 AD एंड ट्राइड टू इक्विप इट बाई बिल्डिंग मैनी ब्यूटिफुल एंड मैनी मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स। अमंग द बिल्डिंग ऑफ शाहजहाँबाद रेड फोर्ट इज़ द मेन बिल्डिंग। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1648 AD। द नेम ऑफ द वेस्टर्न एंट्रेंस ऑफ दिस फोर्ट इज लाहौरी दरवाज़ा एंड बेस्ट एंड द साउथर्न गेट इन दिल्ली दरवाज़ा। ये एक यूनिक था और ब्यूटी था किसका? इट इज़ अ यूनिक इन ब्यूटी एंड स्प्लेंडर। अमंग द फोर सन ऑफ शाहजहाँ जो एल्डेस्ट सन था वो कौन थे? दारा शिकोह थे एंड द मोस्ट एजुकेटेड स्कॉलर एंड राइटर भी थे ये। ही स्टडी मैनी हिंदू टेक्स्ट एंड ट्रांसलेटेड इन टू हिंदू टेक्स्ट इन टू लाइक उपनिषद, योग वशिष्ठ, भगवद गीता इन टू पर्शियन लैंग्वेज उन्होंने कर लिया कन्वर्ट। मुगल एम्परर जो थे शाहजहाँ एबॉलिश के ईरानियन कोर्ट को। ट्रेडिशन सजदा स्टार्टेड बाई बलबन, सजदा को उन्होंने क्या किया? एबॉलिश कर दिया शाहजहाँ ने, ठीक है। इन 1636-37 AD सजदा कस्टम वॉज एबॉलिश्ड, ठीक है। एल्फिंस्टन हैज रिटन अबाउट द पीरियड ऑफ शाहजहाँ दैट द पीरियड ऑफ शाहजहाँ वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री। तो शाहजहाँ का जो रिजाइम था उनको भी हम लोग ने पढ़ लिया है। अब उनके MCQ पे बिना फर्दर डिले किए देख लेते हैं। जो शेडेड एरिया मैप में दिया हुआ है वो किसका है? वो है शाहजहाँ का रिजाइम है ये दोस्तों, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। और काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन है, और भी रूलर्स, प्रोमिनेंट रूलर्स ने किया है, लेकिन शाहजहाँ का ये था, ठीक है ना। ये कहाँ से था? गोलकुंडा उस समय जो टेरिटरी था वो औरंगजेब के द्वारा था, ठीक है। कैप्चर किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के में था, और वो और जो था ऊपर का पार्ट वो किसने किया था कैप्चर? शाहजहाँ के टाइम में था। व्हाट वाज द रूट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन शाहजहाँ ईरान और मुगल रूलर? क्या था? कांडहार था जो आपका अफगानिस्तान का था, ठीक है। 39 BPSC में आया हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेंगे आप लोग। द लॉस ऑफ कांडहार वॉज अ बिग ब्लो ऑफ मुगल एम्परर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, क्योंकि वो क्या थी? बफर टेरिटरी थी, कम्युनिकेशन थी कि स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड वो बहुत था। लॉस ऑफ कांडहार वॉज द स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ? स्ट्रेटेजिकली अ बिग ब्लो टू द मुगल एम्पायर। द लॉस ऑफ कांडहार एक्सपोर्ट द मुगल किंगडम टू आउटसाइड अटैक। फाइनली कांडहार स्लिप्ड आउट फ्रॉम द हैंड ऑफ मुगल्स, ठीक है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहाँ, ठीक है। अरे सॉरी, ये स्लिप हो गया थोड़ा सा। आइए,
क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाता है, द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन वॉज टू, क्या था? सिक्योर फ्रेंडली रूलर ऑफ बल्क एंड बदख्शां विद द बॉर्डर बॉर्डर ऑफ काबुल। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। हु हैड लेट अ डेप्यूटेशन ऑफ बनारस पंडित्स बिफोर द मुगल एम्परर टू सीक द एबोलिशन ऑफ पिलग्रिमेज टैक्स टू ऑन बनारस एंड इलाहाबाद, वो कौन था? कविंद्राचार्य थे। हु वॉज पोएट लिटरेट ऑफ शाहजहां रिजाइन, वो कौन थे? कलीम थे। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है, द एक्चुअल नेम ऑफ मुमताज महल वॉज, वो क्या था? अर्जुन मांड बानो बेगम जो था वो मुमताज महल का असली नाम था। द कोरोनेशन ऑफ हिंदू एंड ईरानियन आर्किटेक्चर कैन बी सीन इन, वो कहाँ पे है? ताजमहल में है। शाहजहाँ थे वो गैदर के इंजीनियर और आर्किटेक्चर को भारत में पर्शिया मिडिल एशिया और कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडियन पर्शियन एंड मिडिल एशियन आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर कंस्ट्रक्टेड जामा मस्जिद, किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था जामा मस्जिद जो दिल्ली था वो शाहजहाँ द्वारा बनाया था। ही लेफ्ट बिहाइंड अ ग्रेट लेगेसी ऑफ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हिम हिज रिजाइन, ठीक है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाई शाहजहाँ आर दीवान ए आम, दीवान ए खास, शीश महल, मोती मस्जिद, खास महल, मुसमान बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद, ताजमहल और रेडफोर्ट जो है थे ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। हु बिल्ट फेमस जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, वो कौन थे? शाहजहाँ थे। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ एम्पायर आगरा टू दिल्ली, कौन थे? वो शाहजहाँ थे, ठीक है। कुछ मॉन्यूमेंट्स और बिल्डर्स के नाम है वो देख लेते हैं। अब यह है अलाई दरवाज़ा जो दिल्ली का है, उसके किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा जो है फतेहपुर सिकरी का है, बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी का है वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। मोती मस्जिद जो आगरा का है वो किसके द्वारा बनाया गया था? सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा गलत बता दिया हूँ। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था, वही मैं गड़बड़ कर रहा था। बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सिकरी का है जो वो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मोती मस्जिद है जो वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। और मोती मस्जिद जो दिल्ली में है, देखिए आगरा वाला जो है मोती मस्जिद वो शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था और दिल्ली वाला बनाया था औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। इसलिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन क्या है एकदम सही है। हु मेड रेड फोर्ट इन दिल्ली, वो कौन था आपके? शाहजहाँ थे। देखिए 42वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में फिर से आया हुआ सवाल देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिजर्व द क्रेडिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाल किला। लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था लाल किला। उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ, वो किसके रिजाइन में हुआ था आपके? शाहजहाँ के रिजाइन में हुआ था, ठीक है। उपनिषद जो था वो ट्रांसलेट करवाया गया था पर्शियन लैंग्वेज में ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ शाहजहाँ। उनके जो पुत्र थे दारा शिकोह वो एक बहुत ही लर्नेड पर्सन थे, उन्हें सिर ए अकबर कहते थे। 52 उपनिषद को ट्रांसलेट कर दिया था इन हिज बुक लीनपुल नेम्ड लिटिल अकबर, उनको लिटिल अकबर भी कहते थे ड्यू टू हिज टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी, ठीक है ना। अपने किताब में उन्होंने क्या कहते 52 उपनिषद को ट्रांसलेट कर दिया था। लीनपुल जो थे उनको कहते थे लिटिल अकबर ड्यू टू टॉलरेंस एंड जेनरोसिटी। मजबा उल बहरीन इज द ओरिजिनल क्रिएशन, मजबा ए बहरीन जो है ये क्या है? ओरिजिनल क्रिएशन है किसका? दारा शिकोह का। शाहजहाँ गेव हिम द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाह बुलंद इकबाल बाई शाहजहाँ, वो कौन थे? उनके पुत्र दारा शिकोह थे। उपनिषद जो ट्रांसलेट किया गया पर्शियन बाई दारा शिकोह अंडर द टाइटल ऑफ सिर ए अकबर। हु वॉज द ऑथर ऑफ सिर ए अकबर, वो कौन है? दारा शिकोह है। द फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर वॉज, वो कौन है आपके? दारा शिकोह हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हिस्टोरियन डिक्लेयर द रिजाइन ऑफ शाहजहाँ टू बी द गोल्डन एरा ऑफ द मुगल एम्पायर। 41वें बीपीएससी में आया हुआ सवाल है, ये कौन थे आपके? एल श्रीवास्तव जी थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, द फेमस डायमंड कोहिनूर वॉज प्रेजेंटेड बाई शाहजहाँ भाई, वो कौन थे? मीर जुमला थे, उन्होंने किया था। ये कहाँ के थे? मिनिस्टर सुल्तान ऑफ गोलकंडा के थे। अब्दुल कुतुब शाह वॉज नॉट एंग्री ओवर मीर जुमला फॉर एक्सेप्टिंग द मनसब किंग एज किंग शाहजहाँ, मनसब किंग शाहजहाँ एंड सीज्ड ऑल हिज प्रॉपर्टी। शाहजहाँ सेंट औरंगजेब टू अटैक गोलकोंडा एंड द मैटर ऑफ रिजॉल्व एंड ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन देम। मीर जुमला जो थे कॉल्ड बैक टू आगरा
एंड गिवन द टाइटल ऑफ मुजम्मा खान मुअज्जम खान। मीर जुमला जो थे वो पर्शियन नोबल थे, रिप्यूटेड डायमंड डीलर भी थे, विजिटेड द कोर्ट ऑफ शाहजहां एंड प्रेजेंटेड द कोहिनूर डायमंड टू द मुगल एम्परर। मुगल एम्परर को उन्होंने क्या हुआ, कोहिनूर हीरा दिया। ठीक है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है क्या, विच मुगल एम्परर एबॉलिश द पर्शियन कोर्ट। कौन सा मुगल एम्परर है जो एबॉलिश किया पर्शियन कोर्ट ऑफ सजदा, जो कि बलबन के द्वारा शुरू किया था, वो कौन था, शाहजहां थे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द गवर्नर ऑफ टेकन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ शाहजहां रिजाइन, वो कौन थे, औरंगजेब थे। तो दोस्तों औरंगजेब थे जो गवर्नर कहाँ के थे, डेक्कन के, ड्यूरिंग 1636 से 1644 में शाहजहां के रिजाइन में, और उनको रिपॉइंट किया गया ऑफिस अगेन इन 1652 में। तो दोस्तों हम लोग ने जो आपका था जिस कल शाहजहां का रिजाइन भी हम लोग ने देख लिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को काफ़ी बेहद पसंद आएगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों दिन एक एक दिन करके क्या मैं कहता हूँ रोज़ कि कट रहा है, रोज़ आप लोग दिन को काटने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि दिन को आप मत काटिए, दिन आपको हर पल काटता है। ये मैं कहता हूँ लाइन तो आपको हर्ट होता होगा ज़रूर, लेकिन मैं बताता हूँ यही सच्चाई है। एक एक साल करके यूँ ही बर्बाद हो जाते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर पटना प्रयागराज में हमेशा क्या करते हैं हम लोग ने, दिल्ली के मुखर्जी नगर पटना प्रयागराज में हम लोग क्या करते हैं, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। आप कहीं भी देश के किसी कोने में कर तैयारी कर रहे हैं, वो क्या हो रहेगा आप लोगों के लिए नुकसान करेगा, क्योंकि अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो। समय बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, ये जो उम्र है वो बार बार नहीं आती, अपने आप को पूरे तरीके से झोंक दीजिए एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में, क्योंकि ये समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा, वो लाइन है ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, यही बात होगा दोस्तों। काश इतना मेहनत कर लेते, अगर आपका ये लाइन ये टाइम निकल गया ना, फिर सोचेंगे काश ये कर लेते थोड़े से मज़ा के लिए, थोड़े से इन्जॉयमेंट के लिए। मेरे एक अंकल थे, वो कहते थे कि पढ़ाई और मज़ा एक साथ नहीं हो सकता, उनको ब्लेंड करके कर सकते हो, लेकिन कहो कि थोड़ा सा मज़ा भी मार लें, थोड़ा सा पढ़ भी लें, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में ही इन्जॉयमेंट ढूंढो। देखिए खाने में, देखिए नमक जो होता है ना खाने में थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, लेकिन पूरा नमक से भरा हुआ खाना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए ज़िंदगी में मज़ा मस्ती भी ना नमक के तरीके से होना चाहिए, कि जिससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। आशा करता हूँ आप लोग खुद ही समझदार हैं दोस्तों, क्योंकि अब देखिए सबके माँ बाप आस लगा के बैठे हुए हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहाँ जाएंगे। कंपटीशन इस कदर बढ़ते चला जा रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और लोग समय अपना बर्बाद करते चले जा रहे हैं हर फील्ड में। देखिए और क्या होगा ना, देखिए अगर किसी का पहला अटैम्प्ट होगा, हो सकता है किसी का लास्ट अटैम्प्ट हो सकता है कोई जेन्युइन मेहनत कर रहा हो सकता है कोई मजाक में मेहनत कर रहा हो, लेकिन जानते हैं ठोकर सभी को खानी पड़ती है दोस्तों, ठोकर हर आदमी को खानी पड़ती है। तो ठोकर ना खाने के लिए ना, इससे अच्छा है कि अभी पढ़ लें। मैं आपको बता रहा हूँ 30 सितंबर को आपका क्या है, वो आपका क्या है, दी एग्ज़ाम डे है, ठीक है ना, दी डे है वो, ठीक है ना, वहाँ पे उस समय एग्ज़ाम आप लोग देंगे। तो 30 सितंबर से एक हफ्ते पहले तक क्या होता है, उससे पहले तक आप रिवीजन करके आप अपने सिर्फ सारे चीज़ों को क्या कर रहे हैं, आप रिवाइज करेंगे एक हफ्ते पहले तक। आप मान के चलिए आपके पास दिन ही कितने बच रहे हैं, एक करीबन 50 दिन आपसे आप देखिएगा तो आपके पास होंगे, ठीक है, 50 से 55 दिन। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एफर्ट नहीं लगाएंगे ना, तो ये समझ लीजिए देश के किसी और कोने में कोई और बच्चा हो ना, अगर आप जिस समय में आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, अन्यथा जो भी चीज़ कर रहे हैं पढ़ाई के अलावा, कोई अगला बच्चा आपके करस्पॉन्डिंग वो तैयारी कर रहा है और वो बाजी मार ले जाएगा और आप मुंह देखते रह जाओगे दोस्तों। तो मैं नहीं चाहता हूं कि, अगर आप कहते हैं ना कछुआ बनने की ज़रूरत है ना ही खरगोश, ठीक है, आप पढ़ाई इफेक्टिवली कीजिए, जितना करना उतना ही कीजिए, ये नहीं है कि औकात से ज़्यादा पढ़ लिए और बेहोश हो गए अगले दिन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बस ये है कि अगर आज आपने ये टारगेट बनाया कि ये मुझे कर लेना है, तो एनी हाउ दैट शुड हैव टू बी डन इन द लिमिटेड टाइम मैनर, ठीक है ना, क्योंकि अगले दिन का खुद आपको फिर आपके पास खुद ओवरबर्डन काम रहेगा। कोई भी दुनिया में किसी के काम नहीं आता दोस्तों, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई किसी के काम नहीं आता है। अरे आपके अगर आप ढंग से नहीं करोगे ना मेहनत, तो माँ बाप भी छोड़ देंगे आपको। तो ये समय आपका है, माँ बाप की इज़्ज़त करो। माँ बाप ही एक ऐसी चीज़ है, या परिवार ही एक ऐसा चीज़ है जो आपकी मदद करते हैं हर कठिन से कठिन विषम परिस्थिति में, ठीक है। दोस्ती यारी, अगर आपका असली दोस्तों का, आप आदमी सोचता होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ, पता नहीं मेरा दोस्त, अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त बुला रहा, मैं नहीं गया तो वो कहीं बुरा मान ना जाए, मुझे जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपका वो दोस्त होगा ना, तो अगर आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो वो चीज़ ज़रूर समझेगा कि क्या है कि अगला बंदा पढ़ रहा है। अगर वो समझ नहीं रहा, तो वो दोस्ती किस काम का। अच्छा हुआ ना कि इस
मंजर पे वो चेक हो गया, नहीं तो आगे जाके और बड़ा धोखा देता दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप अपने, देखिए मैं थोड़ा बोलते बोलते दूसरी लाइन पे चला जाता हूँ, क्योंकि देखिए जिस अभी आप लोग मज़दार में फंसे हो, उस मज़दार में मैं भी कभी था, ठीक है ना। आप 6 महीना गायब होकर देखो, अगले 60 साल तक राज करोगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। पर उसके लिए सूरज के तरीके से जलना होगा, उसके तरीके से तपना होगा, तब जाके चमक आएगी, ठीक है ना। तो समय की मार जब तक पड़ती नहीं है ना, तब तक दिमाग इंसानों को अकल नहीं आती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मन लगा के पढ़ेंगे। मैं थोड़ा हार्श बोलता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं चिकनी चुकड़ी बातें नहीं बोलता, मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ, ठीक है। एक ही लाइन है कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा, उतना जल्दी ही सिलेक्शन होगा, 1 साल में भी होगा। और अगर आप ऐसे नाटकबाजी करेंगे और प्रोपेगंडा करेंगे तो उसके लिए 10 साल भी लग जाएगा, उस सिलेक्शन नहीं होगा, और हाथ कुछ नहीं आएगा, सिर्फ समय बर्बाद होगा। और अगला ये होगा कि आपको सिर्फ समाज से हेटर्ड मिलेगा और हमेशा हीन भावना से ही देखे जाएंगे। इसलिए मन लगा के पढ़ लीजिए दोस्तों, एक बहुत प्रतिष्ठित पद आपका इंतज़ार कर रहा है, बाहें फैला करके उस पद पे बैठने के लिए, अग्रसर होने के लिए अपने तरीके से पूरे तरीके से हिम्मत लगा के मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगला जो लेक्चर होगा वो औरंगज़ेब के साथ होगा, और आज जो हमारे करंट अफेयर का लास्ट वीडियो रहेगा 812 MCQs का, और आप लोग प्लीज़ उसको देखें, और कोई बात रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज का लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है उसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, फिर वही कहूँगा, ये आपका पार्ट है, मुझे बार बार ना कहना पड़े दोस्तों, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो उससे मैं और अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए आपको आगे फिर आ पाऊँगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।